अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आज हम डिज़ाइन थिंकिंग का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। दिस इज़ एन अप्लाइड वर्कशॉप जिसमें हम साथ में आपको हेल्प करेंगे कि कैसे डिज़ाइन थिंकिंग यूज़ करते हुए आपने एक बिजनेस मॉडल कैनवस बिल्ड करना है। सो दिस इज़ ए हैंड्स ऑन वर्कशॉप एंड लेक्चर स्लाइड्स हमने आपके साथ पहले से शेयर कर दिए हैं। बिजनेस मॉडल कैनवस भी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, माँ व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिया गया है। सो आज आप साथ हमारे लेक्चर स्लाइड्स अपने पीसी पे जरूर ओपन करें या अपनी डिवाइसेस पे, और साथ में बिजनेस मॉडल कैनवस जरूर ओपन कर लें। और मैं आपको बताऊंगा बिजनेस मॉडल कैनवस इज सुपर इजी, आप उसको पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस वक्त एक्सेसिबल नहीं है डिवाइस, या आपके पास इस वक्त बिजनेस मॉडल कैनवस नहीं है, तो कैसे आप जल्दी से बिजनेस मॉडल कैनवस एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम शुरू करते हैं डिजाइन थिंकिंग एंड बिजनेस मॉडल कैनवस। सो क्विकली प्रोग्राम ओवरव्यू। स्टार्टअप समर स्कूल इज अ 4 वीक प्रोग्राम, 4 हफ्ते का प्रोग्राम है, क्रैश प्रोग्राम, जिसमें हम आपको आइडिया से लेके एक बिजनेस बनाने की जर्नी पे अपने साथ लेके जा रहे हैं, विच वी कॉल एज रोलर कोस्टर राइड। के 4 वीक्स के अंदर आप एक बिजनेस बनाना सीखेंगे। सो वीक वन वॉज लीडरशिप, पिछला हफ्ता जो था। दिस वीक इज इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग, जहां हम आपको ये हेल्प कर रहे होंगे कि कैसे आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक सोल्यूशन डिजाइन करना है। नॉट जस्ट योर आइडिया और नॉट जस्ट व्हाट यू थॉट इनिशियली, उसको इंप्लीमेंट कर दें सिर्फ, या उसको बिजनेस मॉडल कैनवस पे पेस्ट कर दें सिर्फ। सो दिस वीक इज कि जहां आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, और आज की तो पूरा 2 घंटे का सेशन इज एन अप्लाइड वर्कशॉप, हैंड्स ऑन वर्कशॉप। और इसके बाद अगले वीक में आप सीखेंगे ब्रांडिंग, स्टार्टअप कैसे बनाना है। आपने एक प्रॉब्लम लिया, उसके अगेंस्ट एक सोल्यूशन डिजाइन कर लिया, उस सोल्यूशन के अगेंस्ट एक ब्रांड कैसे क्रिएट करेंगे, सो वो हम नेक्स्ट वीक में सारा कवर करेंगे। एंड देन द फोर्थ वीक इज स्केलिंग, कि आपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट इस वीक में अचीव कर लिया आइडियली, और नेक्स्ट वीक में प्रोडक्ट मार्केट फिट आइडियली, और अगर बाद में आप करें अपने एट योर ओन टाइम, एट योर ओन कन्वीनियंस, अपनी टाइमलाइन पे, 1 वीक में, 1 मंथ में, वट एवर इज पॉसिबल फॉर यू, ट्राई टू मेक इट शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और उसके अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट से प्रोडक्ट मार्केट फिट पे जाएं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट ये होता है कि आपने एक राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उसके अगेंस्ट एक राइट सॉल्यूशन बना लिया है। सो अगर इफ आई कैन शो यू, ये हमारी जो जर्नी है कुछ इस तरह से होगी, जहां पे हम शुरू करेंगे डिजाइन थिंकिंग। दिस वीक डिजाइन थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट, क्या आप सबसे पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट। लेट मी जस्ट ड्रॉ फॉर यू सो दैट कि आप साथ में इसको बेहतर समझ पा रहे हो। आज का लेक्चर यहाँ पे फोकस करेगा इस एरिया में, कि हम डिजाइन थिंकिंग की आज एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप रन करेंगे, जहां आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू करते हुए एक सोल्यूशन पूरा डिजाइन करेंगे, उसके अगेंस्ट एक बिजनेस मॉडल कैनवस बनाएंगे, आइडियली एक प्रोटोटाइप भी बनाएंगे, और उसको जल्दी से 5 पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ टेस्ट कर लेंगे। सो दिस इज डिजाइन थिंकिंग। दिस इज एन अमेजिंग स्किल जो कि आपको हर फॉर्म, हर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एंड डिफरेंट वॉक्स ऑफ योर लाइफ आपको हेल्प करेगी। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं डिजाइन थिंकिंग सीखने के लिए? डिजाइन थिंकिंग को बहुत सिंपली अगर आप डिफाइन करें, कल जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, इट इज प्रॉब्लम सॉरी डिजाइन थिंकिंग इज एम्पथी, प्रोटोटाइपिंग एंड स्ट्रेटजी। मेन डेफिनेशन समझें डिजाइन थिंकिंग क्या है। डिजाइन थिंकिंग इज एम्पथी, प्रोटोटाइपिंग एंड स्ट्रेटजी। सबसे पहले यू शुड बी वेरी क्लियर कि डिजाइन थिंकिंग है क्या। सो डिजाइन थिंकिंग इज एम्पथी, प्रोटोटाइपिंग एंड स्ट्रेटजी। ये जो डेफिनेशन है डिजाइन
थिंकिंग की। डिजाइन थिंकिंग जो है ना वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जतेंद्र कह रहे हैं दैट ही इज एक्साइटेड विद यू जतेंद्र, आज बहुत एक्साइटिंग जर्नी है। सो इन एवरीडे लाइफ वी फेस अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, लाइक योर स्टार्टअप इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट a gap in the society and then to come up with the right solution to that problem. So isliye ek structured framework hai jise hum design thinking kehte hain. So main bar bar isliye repeat kar raha hu taaki aap mein se bahut sare log isko samajh jaye isi week ke andar, aur hum jaldi se aapko help kare ki aap ek aisa startup banaye jiski market ko need hai, aap ek aisa product create karke laaye jisme log kahe ki yaar yahi chahiye tha, this is what we were looking for. एक ऐसा प्रोडक्ट ना हो जिसपे आपको जाके लोगों को कन्विंस करना पड़े कि यार प्लीज एक एक दफा बाय कर लो, एंड दे सेइंग नहीं नहीं यार आई डोंट सी वैल्यू इन दिस, मुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं 100 रुपया किस चीज के लिए पे करूं। रादर आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप उसके कस्टमर के सामने ला के रखें ओके कितने पैसे चाहिए, राइट? तो दिस इज डिजाइन थिंकिंग। शिवगा भी एक्साइटेड है, सोएब भी, एक्सेलेंट, so very good response. Questions please zarur saath mein. Bisma Musawwir bhi excited hai, excellent. So questions bhi zarur puchiye, but pehle mere saath rahiye and trust me ke within an hour aap log itne comfortable ho jayenge ki design thinking would become very easy for you, and that's my promise. So डिजाइन थिंकिंग इज एम्पथी, प्रोटोटाइपिंग एंड स्ट्रेटजी। इन तीनों को अलग करके पहले हम समझ लें और फिर ये 5-step डिटेल प्रोसेस जो कि अभी आपको शायद बहुत थोड़ा डरावना लग रहा हो, थोड़ा डर रहे हो, इससे इस पे मत जाएं, जस्ट स्टे विद मी एंड विद इन 30 to 40 minutes आप इसके साथ भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। सो एम्पथी, प्रोटोटाइपिंग एंड स्ट्रेटजी 3-step प्रोसेस है। एम्पथी हम कहते हैं टू पुट योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज, किसी दूसरे की पेन को फील करना। और किसी ने इसकी बहुत अच्छी एक डेफिनेशन दी दैट एम्पथी इज पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्स शूज एंड वॉकिंग अ माइल। ये ऐसे ही है कि आप किसी दूसरे का जूता पहने और 1 किलोमीटर उसके अंदर चलें, 1 किलोमीटर उसको पहन के चलें, तो आपको फील होगा कि उसके शूज के अंदर रहना कैसा फील होता है। सो आप किसी के साथ जाके टाइम स्पेंड करें, आप किसी कम्युनिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, लेट्स से स्लम्स के अंदर जो कच्ची आबादियां होती हैं वहां पे एजुकेशन का प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं, या हेल्थ केयर का, या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का, पानी उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, साफ पानी कच्ची आबादियों में, स्लम्स में, तो आप वहां जाएं पहले जरूर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्लम्स के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का सोल्यूशन तो बना रहे हो बट आप खुद कभी स्लम्स में गए ही ना हो, आप खुद कभी कच्ची आबादी आपने विजिट ही ना की हो, कभी आपने गाँव विजिट ही नहीं किया हो। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने कस्टमर के शूज में अपने आप को डालें, सबसे पहले उस तरह से रह के, उस तरह से टाइम गुजार के देखें जिस तरह से आपका कस्टमर टाइम गुजार रहा है। तो अगर आप एक कच्ची आबादी में साफ पीने का पानी प्रोवाइड करने का बिजनेस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां जाएं, टाइम स्पेंड करें, उन लोगों को ऑब्जर्व करें, उनको स्टडी करें कि वो कैसे पानी अपनी डेली लाइफ में लेके आते हैं, पानी कहाँ से हासिल करते हैं, कितनी मुश्किलात है उनको पानी लाने में, कितनी कॉस्ट है, कितना टाइम है। तो ये सारी चीजें जब आप करके इसको स्टडी करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्पथी, दैट यू फील फॉर योर कस्टमर। आप दिल से महसूस करते हैं कि मेरा कस्टमर किस पेन में से गुजर रहा है, लेट यू ओन योर कस्टमर, राइट? आप सिर्फ उसको नॉट जस्ट पेपर, कोई गूगल फॉर्म पे कोई क्वेश्चनियर बना लिया, दिस इज नॉट एम्पथी। So really putting yourself in your customer's shoes, और वो उस अपने कस्टमर की तरह बन के उसकी लाइफ को फील करना, एक्सपीरियंस करना, दिस इज एम्पथी। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं चारों बिल्ड करें ताकि एम्पथी जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाए। और इट डिजाइन थिंकिंग इज अ माइंड सेट। और अब मैं इस स्टेज पे हम भी जब हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं डेली लाइफ में, स्टार्टअप्स के, डिफरेंट स्टार्टअप्स के और अपने हमारे वेंचर्स के, तो हम भी डिजाइन थिंकिंग रन करते हैं। बट अब मेरी एक फर्स्ट इंस्टिंक्ट बन गई है ओवर द इयर्स कि मेरे पास कोई भी नया अपॉर्चुनिटी आती है, नया कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, नया कोई चैलेंज है, इंस्टेंटली
आउट के पोटेंशियल जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनके पास फीडबैक के लिए चले जाएं, या आपके जो मेंटोर्स हैं, यू हैव समवन हु इज रियली एक्सपर्ट इन दैट डायमेंशन, या समवन हु यू ट्रस्ट कि आपको ये हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं, सबसे पहले उनके पास चले जाएं एडवाइस के लिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोसेसिंग इट इन योर ओन हेड और आइसोलेशन में उसको सोचते रहें, अपना ही सोल्यूशन बिल्ड करते रहें और किसी और से शेयर भी ना करें, फीडबैक भी ना लें, कस्टमर को भी ना दिखाएं, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। बिकॉज एक इंसान की जो अप्रोच है वो परफेक्ट नहीं हो सकती जब तक कि वो फीडबैक ना ले, दूसरों से राय ना ले, एंड दिस इज वॉट इनोवेशन इज, यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स इन द राइट डॉट्स। अगर आप राइट अरेंजमेंट में डॉट्स आपने कनेक्ट कर लिए, सो यू विल बी सक्सेसफुल। तो यही डिजाइन थिंकिंग है, एम्पैथी इज कि सबसे पहले आप जाके स्टेक होल्डर से बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। और अगर आप इस पूरी डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस का देखें तो देर इज वन गोल, जिसे हम कहते हैं डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी और वायबिलिटी, इन तीन का इंटरसेक्शन आपने अचीव करना है। अगर आप राइट कॉर्नर पे देखें, टॉप राइट कॉर्नर पे एम्पैथाइज के नीचे जो है, दिस इज डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी, इन तीनों का इंटरसेक्शन अगर आपने अचीव कर लिया, तो दैट इज अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो ये अल्टीमेट गोल है किसी भी बिजनेस के लिए, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के लिए भी। सो एम्पैथी को हम समझ रहे हैं इस वक्त, डिजाइन थिंकिंग इज एम्पैथी, प्रोटोटाइपिंग एंड स्ट्रेटजी। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि सारे लोग साथ रहें इस पे, हमने मेजॉरिटी को, कोशिश ये है कि हम सारे लोगों को साथ लेके चलें, एटलीस्ट एक बड़ी मेजॉरिटी हमारे साथ हो इस सफर में। एंड मैं पोस्ट भी कर देता हूँ ताकि, डिजाइन थिंकिंग इज एम्पैथी, प्रोटोटाइपिंग, स्ट्रेटजी। सो एम्पैथी को हम इस वक्त समझ रहे हैं, और एम्पैथी के बाद अगली चीज आ जाती है प्रोटोटाइपिंग। सो व्हाई इज प्रोटोटाइपिंग इम्पोर्टेंट? आपने एम्पैथाइज किया, अपने कस्टमर को समझ लिया, आपने उसके पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लिया, यू रियलाइज्ड कि अच्छा मेरे कस्टमर को ये प्रॉब्लम है। ये पानी कई एग्जांपल लें हम, या एजुकेशन की एग्जांपल लें कि मेरा जो पोटेंशियल कस्टमर है वो दूर से पानी भर के लाता है, या उनको एजुकेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है, या डिफरेंट स्टार्टअप्स है, आप इको फ्रेंडली पैकेजिंग बनाना चाहते हैं, आप एडेबल कटलरी बनाना चाहते हैं, आप शुगर को रिप्लेस करना चाहते हैं, आप शुगर ड्रिंक्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, योर पैशन कैन बी एनीथिंग, और वो पर्पस इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको एब्जॉर्ब कर ले। सो आपके पास सिर्फ ये इस वक्त आपके पास आइडिया नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई आइडिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई फॉरगॉट, अगर आपके पास आइडिया है तो इस वक्त भूल जाएं, अपना जो स्टार्टअप आइडिया है उसको घर छोड़ाए, वो अभी नहीं चाहिए हमें। आपको सिर्फ इंडस्ट्री पता होना चाहिए, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। आपने हेल्थ केयर में काम करना है, एजुकेशन में काम करना है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में काम करना है, किस डायमेंशन में काम करना है, वो सिर्फ इस वक्त याद रखें कि आपने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वो हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ी क्लियर भी ना हो इस स्टेज पे, फाइन, वी डोंट वॉन्ट कि आपके पास सारी अंडरस्टैंडिंग आज हो, ये हम आपको सिखाएंगे कि वो कैसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप वो हासिल कर सकते हैं, वो बिल्ड कर सकते हैं। तो इस वक्त आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए रफली कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि मुझे लाहौर जाना है, मुझे, मैं अगर इस्लामाबाद में हूँ तो मुझे लाहौर जाना है, या मुझे पिशावर जाना है, तो आपको किसी हद तक डायरेक्शन का अंदाजा हो कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। जो लीडरशिप का पूरा मॉड्यूल वॉज डिजाइन टू हेल्प यू फिगर आउट योर डायरेक्शन, लीडरशिप में हमने पूरे एक वीक में यही कोशिश की कि आप अपनी डायरेक्शन फिगर आउट कर लें कि आप अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपने फिगर आउट कर ली, अभी आपके पास सिर्फ डायरेक्शन होनी चाहिए। उस डायरेक्शन के अंदर क्या एग्जैक्ट आइडिया होगा जिस पे आप काम करेंगे, वो एक प्रोसेस के थ्रू बिल्ड होने दें, और उस प्रोसेस का नाम डिजाइन थिंकिंग है। आप डोंट गेट मैरिड टू योर आइडिया, डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद योर आइडिया कि ये मेरा आइडिया है बस मुझे अब यही करना है। हो सकता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतने चैलेंजेस हों कि आप ये रियलाइज ना करें और उसी को बनाते रहें और टाइम टू मार्केट निकल जाए। जब आप मार्केट में लेके आए वो प्रोडक्ट, तो मार्केट उसके लिए रेड टाइम गुजर चुका हो, या अर्ली टू मार्केट हो, अब एक चीज इतनी जल्दी लेके आ जाए मार्केट में कि मार्केट उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ना हो। सो इन दोनों से बचने के लिए आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से
डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस रन करते हैं। सो मैं बार बार इसकी एम्फसाइज कर रहा हूँ कि डिजाइन थिंकिंग व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट और ये किस तरह से हमें हेल्प करती है। सो आपने एम्पथी पढ़ा, एम्पथाइज किया अपने कस्टमर के साथ, आपको पता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, लेट्स से हेल्थ केयर का, और इन लोगों के साथ मुझे इन लोगों के लिए हेल्थ केयर का सोल्यूशन निकालना है। वो जो जो लोग हैं उनको आप पिक करें, उसको हम कहते हैं कस्टमर सेगमेंट। कि आपका कस्टमर सेगमेंट क्या है, तो पहली दफा घबराए नहीं कि मुझे बहुत एग्जैक्ट मैं कैसे ढूंढूं। जस्ट अडॉप्ट ए सिंपल फॉर्मूला, एज, जेंडर, ज्योग्राफी। एज क्या होनी चाहिए आपके टारगेट कस्टमर की, ज्योग्राफी किस शहर में रहते होंगे, और जेंडर मेल फीमेल दोनों होंगे। तो इस फॉर्मूले पे आप सिंपली सबसे पहला कस्टमर सेगमेंट पिक कर लें। सो लेट से आप मुल्तान में रहने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक नया एजुकेशन का सोल्यूशन लाना चाहते हैं, लाइक एक ऑनलाइन लर्निंग का सोल्यूशन बनाना चाहते हैं मुल्तान में रहने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो आप क्या करेंगे कि आप डिफाइन करेंगे अपना कस्टमर सेगमेंट, एज 18 to 24, लिविंग इन मुल्तान, ज्योग्राफी होगी आपकी मुल्तान, एंड जेंडर मेल फीमेल दोनों के लिए। सो टर्न आउट के मुल्तान में ऐसे लेट से 1 मिलियन लोग हैं जो इस एज ब्रैकेट में हैं, मुल्तान के अंदर रहते हैं, और जो कि एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन उनके लिए एक सोल्यूशन हो सकता है। सो अब इन 1 मिलियन लोगों के साथ आपने एम्पथाइज करना है। स्टार्टअप जनरली क्या कहता है डे वन पे कि जी पूरी सारा पाकिस्तान मेरी मार्केट है, 200 मिलियन, और कुछ स्टार्टअप्स तो इससे भी आगे जाते हैं कि पूरी दुनिया मेरी कस्टमर, एवरीबॉडी इज माई कस्टमर। सो आपका नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, विच इज गुड। पोटेंशियली आप इतना बड़ा होंगे एक दिन कि आप पूरी दुनिया को सर्व करें, आप गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट बने और पूरी दुनिया को सर्व करें। बट दे स्टार्टेड विद अ वेरी नीच मार्केट, एक छोटी सी मार्केट सेगमेंट के साथ उन्होंने शुरू किया था। सो आपको भी एक मार्केट सेगमेंट के साथ, कस्टमर सेगमेंट के साथ अपना बिजनेस शुरू करना है। सो एज, जेंडर, ज्योग्राफी पे आपने एक कस्टमर सेगमेंट पे कर लिया। अब मुल्तान के अंदर रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए हम ऑनलाइन एजुकेशन का सोल्यूशन बना रहे हैं। सो टर्न्स आउट के 1 मिलियन वहाँ पे लोग हैं इस एज में। सो अब 1 मिलियन, 10 लाख लोगों से तो आप जाके बात नहीं कर सकते, 10 लाख लोगों से एम्पथाइज कैसे करेंगे, ये भी एक चैलेंज है। तो उसको क्रैक करते हैं आप इस तरह से कि आप 1 मिलियन में से 5 लोग ऐसे ढूंढते हैं। गुड, सैयदा सबा, यस, एज, जेंडर एंड ज्योग्राफी, यही कस्टमर सेगमेंट होगा आपका। तो आपने, आप 1 मिलियन या 10 लाख लोगों से फिर बात नहीं कर सकते, बहुत बड़ा नंबर है, स्टार्टअप के पास लिमिटेड टाइम और रिसोर्स होता है। सो व्हाट यू डू इज कि आप उनमें से 5, कम से कम 5, आई रिकमेंड कि 5 लोग जरूर आप सेलेक्ट करें, 5 लोग जो 18 to 24 की एज ब्रैकेट में हो, मुल्तान के अंदर रहते हो और एजुकेशन पोटेंशियली हासिल करना चाहते हो या एजुकेशन सीख कर रहे हो, वो चाहते हो कि एजुकेशन हासिल करें। ये 5 लोग, अब आप इन 5 लोगों से बात करेंगे। Why 5 पीपल? ये स्टेटिस्टिकली प्रूवन है कि 5 लोगों से आप इतनी इंफॉर्मेशन इन्फर कर लेते हैं कि आपको उससे ज्यादा की जरूरत, उसके बाद जो एफर्ट है ना उसका रिटर्न कम हो जाता है। सो आप मिनिमम 5 लोग लें डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के लिए। आपको जस्ट 5 पोटेंशियल कस्टमर ढूंढने हैं, 5 ऐसे लोग जो कि पोटेंशियली आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे, आपकी प्रोडक्ट के कस्टमर बनेंगे। उन 5 लोगों से आपने क्वेश्चंस करने हैं, उन 5 लोगों के साथ आपने एम्पथाइज करना है, उन 5 लोगों को आपने बहुत अच्छा समझना है। और मैं इसकी एग्जांपल अक्सर ये दिया करता हूँ कि डिज़ाइन थिंकिंग की मेराज ये है, या कस्टमर को अच्छा समझने की, कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को समझती है, माँ अपने बच्चे की बात उसके कहे बगैर समझती है। एक छोटा बच्चा बोल नहीं पाता, बट मदर अंडरस्टैंड्स कि ये इसको दूध चाहिए, ये इस वक्त इसलिए रो रहा है, इसको दूध चाहिए, इसकी ये रिक्वायरमेंट है इस टाइम। तो आप अपने कस्टमर को लाइक इस सब्जेक्ट, जिस तरह से आप पढ़ते हैं उस तरह से आपने उसको समझने की कोशिश करनी है। और उसके भी एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसे हम कहते हैं कस्टमर पर्सोना। सो अभी कस्टमर पर्सोना में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ आपने उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा और उसमें से आपने ये एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, ये अखज करने की कोशिश करनी है इनका पेन पॉइंट क्या है,
या इनका गेन पॉइंट क्या है, क्या ये चाहते हैं एग्जैक्टली कि ये सॉल्व हो जाए। और पेन पॉइंट के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये अक्सर इसकी एग्जांपल लेते हैं कि पेन पॉइंट्स भी दो तरह के होते हैं, वन इज शार्क बाइट एंड वन इज मॉस्किटो बाइट। एक होता है मच्छर का काटना और एक है शार्क शार्क मछली का बाइट कर लेना। शार्क मछली जब किसी इंसान को काटती है ना, तो वो उसका एक पूरा लिम्ब पूरा हाथ बाजू ले जाती है, एंड विच इज वेरी फेटल एंड इट कैन कॉज डेथ। वेयर इज मॉस्किटो बाइट जो है ना, वो एक बहुत छोटी सी पेन होती है, यू कैन लिव विद इट। आप उससे आप को इंसान के लिए फेटल नहीं है, यू सर्वाइव इट। सो आपको पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करते हुए आइडियली एक शार्क बाइट ढूंढना है। अब शार्क बाइट होता है बहुत बड़ा पेन, यू कैन नॉट लिव विद इट, उसके लिए फॉरन आपको ट्रीटमेंट चाहिए। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर फिर ये ऑब्जेक्ट करते हैं कि जी रियल लाइफ में हम शार्क बाइट्स कहाँ से ढूंढें, तो इसकी मैं बहुत सिंपल सी अगर एग्जाम्पल दूँ तो मिल्क एज अ शार्क बाइट। पाकिस्तान में कौन सा घर है जहाँ पे दूध डेली नहीं बाय किया जाता? तो देर वुड बी मोर देन 80% ऑफ हाउस होल्ड जहाँ पे दिन में कम अज कम एक दफ़ा चाय बनती होगी या वो चाय पीते होंगे जाके। सो ऐसी चीजें ढूंढें जो लोग रेगुलर यूज करते हैं, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज वहां है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, करते भी हैं, कि मैं शायद लोगों को अपॉर्चुनिस्ट बना रहा हूँ, बट समहाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज स्पॉटिंग द गैप इन द सोसाइटी। सो अगर आप अपनी स्पेंडिंग पैटर्न देखें, आप अपने जो घर का बजट है उसमें देखें, अगर कि जहाँ टॉप 10 आइटम्स हैं, लेट्स से आपके घर का सबसे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं दूध पे या इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिसिटी दूध यूटिलिटी बिल्स बाकी सारे इंटरनेट, तो ये आप अपने घर की स्पेंडिंग को अगर लिस्ट करें ना, लिख लें सिंपली, तो उनमें से जो टॉप 10-15 आइटम्स है ना, उन्हीं के अंदर कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दे से कि मनी इज लाइक एनर्जी एंड फॉलो द एनर्जी, तो आप सिस्टम फिगर आउट कर लेंगे। सो अगर आप देखें कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो टॉप 15-20 अप टू 20 आइटम्स लिख लें, उन्हीं में से कहीं एक आपकी अपॉर्चुनिटी होगी। या आप जो आपका पोटेंशियल कस्टमर सेगमेंट है उनके पास चले जाएं और उनकी स्पेंडिंग्स को लिखना शुरू कर दें कि वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। और अगर हेल्थ केयर पे ही डिटेल में काम करना चाह रहे हैं, तो हेल्थ केयर के अंदर देखें कि वो हेल्थ केयर में कहाँ कहाँ पैसे खर्च करते हैं, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर की फीस, मेडिसिन खरीदने पे कितने खर्च करते हैं, टेस्ट करवाने पे कितने। सो इस सारे से यू कैन फिगर आउट कि आपका जो कस्टमर है वो पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, वेयर द अपॉर्चुनिटीज आर। सो इस ये आपको हेल्प करेगा डायरेक्शन में अपनी बिल्ड करने की, कि आपने किस डायमेंशन में बिल्ड करना है। तो जब आप ये कर रहे हैं, आपने कस्टमर को इतना समझा और उसका शार्क बाइट ढूंढ लिया, ये है एम्पथी। अगर आपने एक रेफरेंस ग्रुप लिया एज जेंडर ज्योग्राफी पे, उनमें से 5 से 10 लोगों के साथ बात की और उनमें से एक शार्क बाइट ढूंढ लिया, एक ऐसी चीज जो कि वो बहुत रेगुलरली या तो यूज करते हैं और अच्छी नहीं मिल रही, वो बाय करना चाहते हैं और अवेलेबल ही नहीं है, लाइक मिल्क इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, दूध हमें अच्छी क्वालिटी का हर जगह पे नहीं मिल रहा, ये एक प्रॉब्लम है। इस तरह कोई ऐसी चीज हो सकती है, शुगर का अल्टरनेट भी आ जाए जो कि लो कैलोरी हो, सो वो भी और बहुत मे बी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ, तो दैट कैन बी अ डिसरप्टिव थिंग। इस तरह की चीज अगर आपने फिगर आउट कर ली कि ये मेरा कस्टमर सेगमेंट जो है, इनको ये चीज अगर अवेल ये चीज मिसिंग है इनकी लाइफ में, अगर ये चीज प्रोवाइड कर दी जाए, इस डायमेंशन में कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाए, तो दे विल डेफिनेटली बाय। आपने सिर्फ गैप आइडेंटिफाई किया, अभी एग्जैक्ट सोल्यूशन की फॉर्म आपको नहीं पता कि किस तरह से उन किस तरह का सोल्यूशन चाहिए होगा, उनको दूध अच्छा नहीं मिल रहा, इसका ऑल्टरनेट चाहिए, वो कैसा होगा, ये हम एक प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे। ये हमने एम्पथी को बहुत एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। आई होप कि अब आप लोग एम्पथी में बहुत अच्छा समझ चुके होंगे कि एम्पथी क्या है। सो प्लीज डू कमेंट एंड इस पर फीडबैक जरूर दें कि एम्पथी आप कितना अच्छा समझे हैं, या हमें एम्पथी को फर्दर बिल्ड करने की जरूरत है। और इसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रोटोटाइपिंग।
कि वंस यू अंडरस्टूड योर कस्टमर्स प्रॉब्लम, तो फिर अब आपने प्रोटोटाइप बनाना है। तो डिजाइन थिंकिंग में कुछ स्टेप्स हैं जो मैं अभी आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, बट आप पहले ओवरऑल प्रोसेस समझ लें, दैट इज कि वंस यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम और उसको आपने डिफाइन कर लिया है, कस्टमर के साथ एम्पथाइज किया, उसको बहुत अच्छा समझा, और उसके बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोटोटाइपिंग पे आ रहे हैं। तो प्रोटोटाइपिंग इसके क्विकली एक सोल्यूशन जो कि लुक अलाइक हो, उस जैसा दिखता हो, मे बी पेपर से बना दें, मे बी एक ड्राइंग बना दें, मे बी एक 3D ड्राइंग बना सकें, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आपके पास कम अज कम एक पेपर और पेंसिल अवेलेबल है, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, तो आपके पास एक पेपर और पेंसिल अवेलेबल है जिस पे आप एक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है तो उसे हम वायर फ्रेम्स कहते हैं, आप वायर फ्रेम बना सकते हैं, स्केच बना सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कैसी दिखेगी, आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी। अगर आपकी फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसकी आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं कि वो कैसी दिखेगी। ये है प्रोटोटाइपिंग की बिगिनिंग। हो सकता है आप डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो कि जिसका आप फंक्शनल यूनिट ना बना सके, कि आपकी प्रोडक्ट अगर लेट से आप एक नया कैमरा बनाना चाहते हैं लेट से, या एक नया मोबाइल फोन बनाना चाहते हैं, या कोई एक नई सिक्योरिटी डिवाइस बनाना चाहते हैं, सो वो आप एक एक वीक की एक्सरसाइज में, एक दिन की एक्सरसाइज में नहीं बना पाएंगे। अगर आपकी हार्डवेयर प्रोडक्ट है तो बहुत जल्दी नहीं बना पाएंगे, तो आप उसकी एक अप्रॉक्सीमेट शेप बना दें, दिस इज प्रोटोटाइपिंग, उसका लुक अलाइक बना दें, ताकि अगर मैं आपका कस्टमर हूँ और मुझे आप ला के दिखाएं कि सर ये जी ये वाली प्रोडक्ट है, मिस्टर माई कस्टमर ये मेरी प्रोडक्ट है, ये इस तरह की दिखेगी, राइट, सो और इसके अंदर ये फीचर्स होंगे, और मुझे आप थोड़ा सा उसके साथ एक्सप्लेन कर दें कि ये मेरी प्रोडक्ट होगी, इसके ये फीचर्स होंगे, तो विल यू बाय फॉर 100 रुपीज या वट एवर जो भी प्राइस पॉइंट आपने सेट किया है, तो उस प्राइस पॉइंट पे क्या आप मेरी प्रोडक्ट बाय करेंगे, और मैं बीइंग कस्टमर या जो भी 5 लोग जिनसे आपने बात की है, वो 5 लोग कह देते हैं कि यस वी आर विलिंग टू बाय, जिस कहते हैं ना याहू, यू हैव अचीव्ड इट, यू हैव डन डिजाइन थिंकिंग, दिस इज डिजाइन थिंकिंग, कि आपने 5 लोग लिए, उन 5 लोगों से बात की, उनको समझा, उनका पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किया, उसके अगेंस्ट से क्विकली एक प्रोटोटाइप बनाया और उन्हीं के पास वापस चले गए और उन 5 लोगों से पूछा कि विल यू बाय माय प्रोडक्ट, उसके फीचर्स ये होंगे। और हो सकता है वो सिर्फ आपने अभी पेपर पे ड्रॉ ही की हो, पेपर पे सिर्फ उसकी ड्राइंग बनी हुई है, आपने वो क्ले मिलती है उससे क्ले से 3D उसका बना दिया है, 3D प्रिंटिंग करके उसका प्रोटोटाइप बना दिया है, उसका MVP बना दिया है। मिनिमम प्रोटोटाइप से बेहतर एक चीज होती है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना दें जो कि इसके अंदर कुछ फीचर्स फंक्शनल हो जाएं। जैसे आप एक फोन बना रहे हैं, आप एक नया मोबाइल बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से आप मिनिमम सर्किट बना के उसके अंदर उसको इस काबिल कर दें और वो इतनी अच्छी हालत फॉर्म में भी ना हो कि उसके ऊपर ये स्क्रीन भी लगी हुई हो, वो खाली एक सर्किट बोर्ड हो जिसके ऊपर आप 2-4 बटन प्रेस करें कॉल मिल जाए, या एक नंबर भी उसके अंदर हार्ड कोड कर दें, बस ये एक नंबर एक बटन प्रेस करें कॉल मिल जाती है एक ही नंबर पे। सो मुझे ये दिखेगा कस्टमर को, बीइंग कस्टमर मुझे ये नजर आ रहा होगा कि आपकी प्रोडक्ट करेगी क्या, और उसमें से एक फीचर जो कोर फीचर है वो इम्प्लीमेंट भी होगा, अच्छा ये कॉल करेगा, ये कॉल करने की डिवाइस है, तो इसको हम कहते हैं MVP। तो वो आप MVP बना दें। अगर वो आप जॉब्स मूवी देखें स्टीव जॉब्स की, तो उसमें उसने लैपटॉप का सर्किट बोर्ड पहले बनाया था और वो बोर्ड ही बेच दिया था। और आइडियल डिजाइन थिंकिंग का रियल हिट ये होगा दैट कि आप एक MVP बनाए और वो MVP बिक जाए, कस्टमर उसको बाय कर ले। सो दिस इज व्हाट आई वुड से कि द आइडियल डिजाइन थिंकिंग वुड बी कि आपका कस्टमर आपका प्रोटोटाइप ही मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ही बाय कर ले और आप फिर आप उसको इम्प्रूव करते रहें। द मोमेंट कस्टमर आपसे 4-5 प्रोडक्ट्स बाय कर ले, जैसे ही आपका कस्टमर आपसे 4-5 प्रोडक्ट्स बाय कर ले, ड्राइंग बोर्ड को छोड़ें, भागें और प्रोडक्शन को स्केल अप करें।
अब आप बाकी सब छोड़ें एंड गो आउट, सबसे पहले प्रोडक्शन को रैंप अप करें, उसी के ज्यादा यूनिट्स बेचें। डोंट वेट कि मैंने ये सोचा था इसके अंदर ये चीजें और ऐड करूंगा तो फिर इसको मार्केट में लेके जाऊंगा और फिर बेचूंगा, और इस ऑब्सेशन में नहीं रहना। वंस आपकी प्रोडक्ट्स के कुछ यूनिट बिक गए, स्टॉप योर डिजाइन प्रोसेस, गो आउट एंड स्टार्ट सेलिंग लाइक क्रेजी। कुछ टाइम आप अपने इम्प्रूवमेंट पे जरूर स्पेंड कर सकते हैं, इनोवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर आप सोचते रहें कि इसका वर्जन 2 ऐसा होगा, बट वो वर्जन 2 होगा फिर, दैट वुड नॉट बी द चेंजेस मेड इन वर्जन 1, वो वर्जन 1 वैसे ही बिकेगा। उस वर्जन 1 की मैक्सिमम सेल करें जितनी आप कर सकें। इसमें इफ आई वुड लाइक टू कोट एग्जांपल ऑफ मुदस्सिर शेखा, उस सीईओ ऑफ करीम, जो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ करीम, ये पाकिस्तानी है मुदस्सिर शेखा जिन्होंने करीम बनाई, एंड ही उनकी मैं एक टॉक सुना था, ही सेड के हमने वी हैड लिस्ट ऑफ फीचर्स के हमारी करीम की ऐप के अंदर ये सारे फीचर्स होंगे, एंड वी सेट अप ए कट ऑफ डेट के इस डेट को रिलीज कर देना है। तो वो जब रिलीज डेट आई जिस पे उन्होंने ऐप लॉन्च करनी थी, तो कह रहे तकरीबन 8 फीचर्स थे जो ऐप के अंदर अभी बिल्ट नहीं हुए थे। सो वी हैड टू मेक अ डिसीजन कि हम ऐप को रिलीज कर दें या वेट करें और वो 8 फीचर्स भी बिल्ट हो जाए तो फिर रिलीज करेंगे। अगर बहुत मुश्किल डिसीजन था, इवेंचुअली वी डिसाइडेड कि अच्छा ऐप को रिलीज कर देते हैं, वो 8 फीचर्स बाद में ऐड कर देंगे। एनी सेज कि हमने ऐप लॉन्च कर दी और वो 8 फीचर्स जो हमने पहले सोचा था कि बाद में ऐड कर देंगे, आज भी ऐप के अंदर नहीं है। तो समटाइम्स जो आप सोच रहे होते हैं वो कस्टमर को नहीं चाहिए होता। सो इसलिए बी फास्टर इन योर एग्जीक्यूशन। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आइडियाज आर वर्थ $10। मैं ये कहता हूँ कि आइडियाज की वैल्यू सिर्फ $10 है। आपकी एबिलिटी टू एग्जीक्यूट उसमें जीरोज ऐड करती है। आपकी एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मेक्स इट $1 million आइडिया। और वो एक अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू चलेंगे, डिजाइन थिंकिंग के थ्रू चलेंगे, तो यू हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सक्सेस। और आप कम पैसों का नुकसान कर रहे होंगे, कम टाइम में फेल हो जाएंगे। द बेस्ट आइडियाज आर कि जहां आप बहुत जल्द फेल हो जाएंगे, ताकि आप जल्दी से अपनी लर्निंग बिल्ड करें और आगे चलें। अगर आप 6 महीने 1 साल एक प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं एंड इवेंचुअली इट फेल्स, तो आपने 1 साल की टाइम और इन्वेस्टमेंट फेल किया है। डिजाइन थिंकिंग आपको यही हेल्प करता है दैट यू आइदर गेट सक्सेसफुल अर्ली और यू फेल फास्ट। तो मैं एक दफा फिर रिपीट कर दूं और फिर हम डिटेल में बिल्ड करते हैं इसको, डिजाइन थिंकिंग को। एंड आई वुड लाइक कि आप अपने बिजनेस कैनवासेस भी ओपन कर लें, वो हमने आपसे शेयर कर दिए हैं, और अपना ये लेक्चर भी ओपन कर लें ताकि आप साथ साथ हमारे ये चीजें बिल्ड करते चले जाएं। एंड वी वुड लाइक कि आप इस वीक के एंड पे अपना बिजनेस मॉडल कैनवास हमें सबमिट करें, ताकि हम आपको हेल्प करें अपना बिजनेस मॉडल इम्प्रूव करने में। इस वीकेंड में वी वुड लाइक कि सारी टीम्स अपने बिजनेस मॉडल सबमिट कर दें हमें, बिकॉज वीक 3 के एंड तक हमने आपकी रैंकिंग बना के आप में से वीक 3 के एंड में ही टॉप 10 टीम सिलेक्ट कर लेनी है जिन्होंने स्टार्टअप वर्ल्ड कप के नेशनल फाइनल में जाना है। बिकॉज वीक 4 में फिर स्केलिंग पे ज़्यादा काम हो रहा होगा और उसके अंदर आपने एक प्रेजेंटेशन भी देनी है, हर टीम ने एक प्रेजेंटेशन देनी है वीक 4 के एंड पे, और उसके लिए हम आपको अभी से हेल्प करते जा रहे हैं। सारी चीज़ें अभी से प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे इसी वीक से। बिजनेस मॉडल कैनवस इज द प्राइमरी थिंग। बिजनेस मॉडल कैनवस आपका इस वीक में बन जाएगा, आपका बिजनेस मॉडल रिफाइन हो जाएगा इसी वीक के अंदर। नेक्स्ट वीक के अंदर आप उसकी ब्रांडिंग पे चले जाएंगे, तो आपका स्टार्टअप लोगो, स्लोगन, कलर्स, हर चीज़ डिफाइन हो चुकी होगी। तो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी नेक्स्ट वीक में क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद पिच डेक का टेम्पलेट भी हम आपको दे देंगे, विच इज़ अ वेरी सिंपल 10 स्लाइड पिच डेक। तो आपकी पिच डेक बन चुकी होगी, हम आपको पिचिंग पर ट्रेन करेंगे आखिरी वीक में। और लास्ट फ्राइडे द लास्ट डे ऑफ दिस प्रोग्राम, आप में से सारी टीम्स आके इसको प्रेजेंट भी करेंगी, एक लाइव प्रेजेंटेशन भी देंगी। सो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 3rd वीक के एंड में ही रैंकिंग बना लें। सो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रखें, क्विजेस सारे अटेम्प्ट करें, और ये वाली असाइनमेंट बहुत क्रिटिकल है जिसमें आपने बिजनेस मॉडल अपना सबमिट करना है हमें, विच इज़ वेरी इजी। पावर पॉइंट स्लाइड आपसे हमने शेयर कर दिए हैं, सिंपली आपने कोई उसको रीड्रॉ नहीं करना, आपने सिंपल बॉक्सेस के अंदर अपना टेक्स्ट अपडेट करना है, मिनिमम एफर्ट है, प्रोसेस को समझें तो इट वुड बी सुपर ईजी। थैंक यू जितेंद्र।
Jitendra is very active. Thank you very much for being a good participant. Design thinking is empathy, prototyping, and strategy. I would like to have a short break of 30 seconds and then hum isko continue karenge. Main aapke saath, I'll help you ke kaise design thinking ko humne build karna hai aur next level pe leke jana hai. Stay with us, hum live rahenge. Just I need 30 seconds break. जी वेलकम बैक. अनवारुल हक पूछ रहे हैं कि हैव एनी स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल का, जो अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर का स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल कैनवस है वही हम यूज कर रहे हैं. सिर्फ हमने एक एडिटेबल फॉर्म में सबसे शेयर कर दिया है. वी वुड लाइक टीम उसको काइंडली कहीं ऑनलाइन भी पोस्ट कर दें ताकि हमारे फेसबुक पे, ताकि जो लोग जिनके पास जो डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं है वो भी एक्सेस कर सकें. एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, तमाम चीज़ें हमने एक्सेसिबल बनाई हैं. थैंक यू अनवार. तो डिजाइन थिंकिंग में नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं. हमने आपसे शेयर किया ये इनोवेशन फ्रेमवर्क विच इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट. पहले स्टेज पे आप अचीव करेंगे, देन प्रोडक्ट मार्केट फिट. प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट अचीव करते हैं आप थ्रू डिजाइन थिंकिंग. यू अचीव प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट थ्रू डिजाइन थिंकिंग. और नेक्स्ट पे आप अचीव करते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, जहाँ पे आप फ्यू नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली बेच देते हैं टू योर कस्टमर. और ये प्रोडक्ट मार्केट फिट आप अचीव करेंगे लीन और एजाइल को इकट्ठा यूज करते हुए. बहुत ज्यादा इस पर घबराए नहीं, विल मेक इट सिंपल फॉर यू. मोहित कुरैशी पूछ रहे हैं व्हाट इज द राइट अप्रोच, वर्क ऑन फाइन लाइंस एंड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू लॉन्च टेक मिस्टेक. मोहित भाई, आई हैव अ वेरी सिंपल आंसर फॉर दैट. फेल फास्ट, फेल चीप, fail often, fail forward. Fail fast, fail cheap, fail often, fail forward. So, बहुत कम पैसों में एक बिजनेस मॉडल बनाएं और उसको फेल कर दें. एंड वो छोटे छोटे फेलियर्स वुड गिव यू इनफ लर्निंग कि आप आगे बढ़ जाएंगे. और फिर ये लीडरशिप में हमने आपको सिखाया है कि आप थिक स्किन, डोंट बी डिसहार्टेड. अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है एंड यू रियली पैशनेट अबाउट इट, तो फेलियर्स इज लाइक स्पीड ब्रेकर्स आप हिट करते हैं. ऐसा तो नहीं होता कभी आप घर से निकलते हैं कि मैंने जाना है यूनिवर्सिटी या स्कूल या कॉलेज, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, और पहला स्पीड ब्रेकर हिट करते हैं तो आप घबरा के कहते हैं यार स्पीड ब्रेकर हिट हो गया, मैं घर वापस जा रहा हूँ, मेरी स्पीड टूट गई है, मैं तो जा रहा था 80 की स्पीड से, बने रस्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया. तो आप रीएडजस्ट करते हैं, यू लिव स्पीड ब्रेकर्स टू स्पीड ब्रेकर्स एंड इवेंचुअली यू रीच योर डेस्टिनेशन. तो फेलियर्स, ये छोटे फेलियर्स इज लाइक स्पीड ब्रेकर्स, ये आपकी स्पीड कम करते हैं, बट जस्ट ओवरकम देम और फिर अल्टीमेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन. ऑल द बेस्ट, वी आर चेयरिंग फॉर यू मोहित भाई, लॉन्च योर स्टार्टअप एज सून एज पॉसिबल. अ कस्टमर इज द अल्टीमेट जज. आप हम एंटरप्रेन्योर्स ये गलती कर रहे होते हैं कि वी थिंक इन आवर हेड कि जी ये मैं भी परफेक्ट करूंगा प्रोडक्ट और फिर मार्केट लेके जाऊंगा. मैंने अभी आपको क्रीम की एग्जांपल दी, डोंट वेट फॉर दैट, जस्ट लॉन्च इट. और कस्टमर हो सकता है डिसाइड करे कि अच्छा जिसको आप समझ रहे थे कि ये काफी नहीं है वही चाहिए था सिर्फ. आज भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले, ऑल ऑफ यू आज भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले, उसके अंदर 10,000 ऐसे फीचर हैं, एटलीस्ट 1,000 ऐसे फीचर हैं जो आप लोगों ने यूज ही नहीं, आपने और मैंने कभी भी यूज नहीं किए.
अगर वो सारे वहां ना भी होते तो फिर भी हम वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे होते। फवाद खान पूछ रहे हैं, इज इट एसेंशियल दैट वी मेक ए प्रोटोटाइप ऑफ आवर वेंचर एंड सबमिट। प्रोटोटाइप की सबमिशन एसेंशियल नहीं है, बिजनेस मॉडल एसेंशियल है, बट अगर आप प्रोटोटाइप सबमिट करें दैट नथिंग लाइक इट। हम आपको शोकेस करेंगे ऑल स्टार्टअप्स, अगर आप अपना प्रोटोटाइप हमसे शेयर करेंगे, कोई भी प्रोग्रेस है आपके, अच्छी प्रोग्रेस है, माइलस्टोन आपने अचीव किया है, आप वो सब चीज़ें हमसे शेयर करें, हम आपको शोकेस करेंगे, वील हेल्प यू। आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए, कोई पार्टनरशिप करनी है, यू फील लाइक कि हम उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं, प्लीज़ डू रीच आउट टू अस। आप चाहते हैं कि किसी तरह का आपको शाउट आउट दे दिया जाए, किसी से कनेक्ट करवा दिया जाए, प्लीज रीच आउट टू अस, उसमें हम, वी वुड लव टू हेल्प, वी आर हेयर टू हेल्प यू। आप हमें बताएंगे तो वील बी एबल टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाट्सअप। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद आ जाता है बिजनेस मॉडल फिट, और बिजनेस मॉडल फिट में आप स्केलिंग जो पढ़ेंगे फोर्थ वीक में, स्केलिंग और फिर रिस्क मैनेजमेंट, ये करते हुए आप बिजनेस मॉडल फिट अचीव करते हैं। बिजनेस मॉडल फिट होता है लाइक यू बिकम ए करीम, जहाँ पे थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ कस्टमर बन जाते हैं आपके। स्टेज आर द थ्री स्टेजेस, और इसको अगर हम डिटेल में देखें तो ये प्रोसेसेस हमने आपके लिए यहाँ एलैबोरेट भी शेयर किए हैं, ये लेक्चर स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर हैं। दैट वीक वन इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट मार्केट फिट, जिसमें डिजाइन थिंकिंग, सॉरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट, जो कि डिजाइन थिंकिंग है, पहले हमने आपके साथ शेयर किया। दिस इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट, डिजाइन थिंकिंग के थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट अचीव कर लेंगे। This is the current week, ये week 2 जो है, और week 3 जो है उसमें हम product market fit पे focus कर रहे होंगे। आप branding कैसे करेंगे, lean और agile को इकट्ठा use करते हुए कैसे कुछ units बना के और जल्दी से ship out करेंगे और market hit कर देंगे। This is product market fit जो कि week 3 के अंदर cover हो रहा होगा। And then business model fit, scaling, कैसे product को scale करना है, कैसे आपने एक छोटे से स्टार्टअप से एक ऑर्गेनाइजेशन बनना है, प्रोसेसेस कैसे बनाने हैं, बिजनेस को स्केलेबल कैसे बनाना है, वो एक हम्बल से स्टार्ट से शुरू करके एक स्टॉल से प्लाव बेचना शुरू करके, एंड देन हाउ डू यू बिकम सेवर, फिर आप सेवर कैसे बनते हैं। ये पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को सेवर का पता है, दैट्स अ डिफेक्टिव स्टैंडर्ड ओवर हियर। बाकी किस हर इलाके में अगर आप देखें, बहुत बड़ा जो फूड का बिजनेस है, दे ऑल स्टार्टेड विद वेरी हम्बल बिगिनिंग, वो शुरू में एक स्टॉल से शुरू हुए थे, एंड नाउ दे आर बिगर बिजनेसेस। तो ये हम आपको सिखाएंगे, कोई भी बड़ा माइक्रोसॉफ्ट एट वन टाइम वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अ डेस्क, माइक्रोसॉफ्ट एक टाइम पे एक डेस्क से शुरू हुआ था। तो इसी एवरी बिग बिजनेस एट वन टाइम वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अ डेस्क, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यू नेम इट, एप्पल। सो आप वो स्टार्ट लेके कैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, वो हम स्ट्रक्चर तरीके से आपको हेल्प करेंगे। और अब हम जरा एक डीप डाइव पे आते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट और डिजाइन थिंकिंग में। अब जरा एक डिटेल, जो अभी तक मैं आपको बता रहा था वाज प्रिपेयरिंग यू, एंड नाउ विल गो इनटू अ डीप डाइव ऑफ डिजाइन थिंकिंग। इसमें ये जो डेफिनेशन है डिजाइन थिंकिंग, दैट आई ऑलवेज शेयर विद यू, एम्पथी, प्रोटोटाइपिंग एंड स्ट्रेटजी, आई लर्न दिस फ्रॉम मोरो पोचिनी, हु इज चीफ डिजाइन ऑफिसर ऑफ पेप्सी। हमने उनकी वीडियो आपके लिए पब्लिक कर दी है, इज काइंड इनफ दैट ही सेंट अ वीडियो स्पेसिफिकली फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ स्टार्टअप समर स्कूल। सो पेप्सी इज अ ह्यूज कंपनी और वहाँ पर डिजाइन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो बेवरेजेस बनाते हैं, शुगर वाटर बनाते हैं, सिर्फ उसके बावजूद they are continuously investing in innovation or inventing a future for themselves and for the world, aur wahan pe design pe itna focus hai. Every business is beautiful design, your business is beautiful design only. Aap primarily kis koi bhi business kar rahe hain, it's all about design, it's all about design thinking. Agar aap usko proper design ko leke chal rahe hain to aapka brand banta chala jayega aur log aapse judte chale jayenge. And that's how you build a community around your product or your company. So design thinking is empathy, prototyping and strategy. I hope maine itni dafa repeat kar diya hai ki every participant of this startup summer school now knows what design thinking is. Anybody who can repeat for me, what is design thinking?
अब हम चलते हैं डिटेल में, लेट्स डाइव इन। अब एक प्रोसेस, अब आप साथ में हर कोई अपनी नोटबुक्स ओपन कर ले, ये लेक्चर आपके पास भी है, वी वुड लाइक आप पेपर पे, सिंपली पेपर पे ये स्टेप्स हमारे साथ अपने स्टार्टअप के लिए करना शुरू कर दें, ताकि आपके पास अपनी गाइड बुक रेडी हो जाए, ताकि इस गाइड बुक को आप अडेप्ट कर लें अपने स्टार्टअप के लिए, और इसी लेक्चर में आइडियली और इसके बाद में भी आप जाके इसको अपने स्टार्टअप पे इम्प्लीमेंट करें और अपने स्टार्टअप के लिए एक सोल्यूशन बना लें। सो नंबर वन थिंग इज यू पिक अप ए कस्टमर सेगमेंट। डिजाइन थिंकिंग शुरू करने से पहले आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। मुझे हेल्थ केयर में काम करना है, मुझे एजुकेशन टेक्नोलॉजीज में काम करना है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में, वट एवर वट एवर योर कॉलिंग इज, वट एवर योर डायरेक्शन इज, वट एवर योर पैशन इज, उस सोल्यूशन के लिए अब आप सिलेक्ट करेंगे एज, जेंडर, ज्योग्राफी। कस्टमर सेगमेंट सिलेक्ट करना है आपने, तो इस आपने एज, जेंडर, ज्योग्राफी की बेसिस पे कस्टमर सेगमेंट सिलेक्ट किया। हमने आप एग्जांपल दिया आपको कि 18 स्टूडेंट्स लिविंग इन इस्लामाबाद। थैंक यू वेरी मच हसन बलोच, एम्पथी, प्रोटोटाइपिंग एंड स्ट्रेटजी, दैट्स व्हाट डिजाइन थिंकिंग इज। सो हमने पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 200 मिलियन। आप ये नहीं कह सकते कि जी सारा पाकिस्तान मेरा क्लाइंट है, सारा पाकिस्तान ही मेरा कस्टमर है, बिकॉज 220 मिलियन आज लोग हैं, उन 220 मिलियन तक पहुंचने में इट विल टेक यू सम टाइम और क्वाइट गुड नंबर ऑफ ईयर्स के आप उन तक पहुंचेंगे। जैज के आज 50 मिलियन प्लस कस्टमर्स हैं, अगर आप में से कोई जैज से बात कर सके तो आस्क देम व्हाट इट टेक्स टू रीच 50 मिलियन कस्टमर्स, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो आपको बीइंग ए स्टार्टअप ये बहुत अर्ली डेज पे ये क्लियर होना चाहिए कि कस्टमर सेगमेंट को लेके आपने उनके साथ काम करना है। सो आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन को नैरो डाउन करते हुए उसमें से अपना एज, जेंडर, ज्योग्राफी की बेसिस पे एक छोटा ग्रुप पिक करेंगे। हम यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहे हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स लिविंग 18 to 24 मेल फीमेल दोनों लिविंग इन इस्लामाबाद। तो टर्न्स आउट कि ये 0.5 मिलियन लोग हैं इस्लामाबाद के अंदर। अब आप इन 5 लाख लोगों से भी डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर आप इस्लामाबाद बेस्ड स्टार्टअप हैं और जाके 5 लाख लोगों से बात करना शुरू कर दें। एंड देन अब आप क्या करते हैं, तो आप इनसाइट रिसर्च करते हैं। आप क्या करते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं और उनमें से इनसाइट्स निकालते हैं। यू आस्क देम क्वेश्चंस। अगर आप एक हेल्थ केयर स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, लेट्स से हम एक एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद में, कि हम जो इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स हैं उनको एक नया एजुकेशन सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें। सो यू आस्क देम कि आप किस तरह, किस किन डिग्रीज में पढ़ते हैं या किन पोटेंशली किन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। एंड डिज़ाइन थिंकिंग का बेहतरीन मेथड ये है कि आप यू स्पेंड टाइम विद देम। आप उनको चाय पे इनवाइट करें, मे बी इंडिविजुअली, मे बी कलेक्टिवली, लेकिन आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, आधा घंटा बैठ के उनके साथ बात करें। एम्पथी हरगिज़ ये नहीं है कि आपने गूगल फॉर्म बनाया, उसके अंदर 5-10 क्वेश्चंस लिखे और उन 5 लोगों को भेज दिए कि यार इनमें से टिक क्रॉस कर दो, मेरे पास डेटा आ जाए। दिस इज नॉट एम्पथी। वो एक रिसर्च तो हो सकती है, एक सर्वे हो सकता है, बट दिस इज नॉट एम्पथी। एम्पथी इसके आप उन 5 लोगों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे, समझेंगे कि एजुकेशन में वो किन यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, किन स्कूल कॉलेजेस को अटेंड करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप लिस्ट डाउन करना शुरू करते हैं और इन चीज़ों से वुड यू एक्सट्रैक्ट इज सॉरी, सबसे पहले आप जब इन 5 लोगों से बात कर लेंगे, इन 5 लोगों का आप परसोना बनाएंगे। परसोना इज अ पेन पिक्चर। परसोना पे कल आपसे डिटेल में बात की साबिंदा ने भी, और परसोना पे हम ब्रांडिंग में भी जाके बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट मंडे को हम ब्रांडिंग में डिटेल में परसोना पे बात करेंगे। परसोनास के लिए डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, एक टेम्पलेट हमने भी आपसे शेयर किया है। आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, पिक एनी वन। अगर आप स्टार्टअप हैं सो पिक एनी अवेलेबल परसोना टेम्पलेट। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे वाला टेम्पलेट ही लें। परसोना इज अ पेन पिक्चर। परसोना ये है कि आप मुझे डिफाइन करते हैं। परसोना इज लाइक माई प्रोफाइल, कि इमरान जताला एक एंटरप्रेन्योर है,
वो किस उसके एवरेज स्पेंडिंग क्या है या इनकम ग्रुप क्या है, अगर आप वो एक्सट्रैक्ट कर सकें, या वो किन अगर लेट से मैं एजुकेशन के लिए आप मेरे मैं अगर पोटेंशियली आपका एजुकेशन का कस्टमर हूँ, तो आप मेरे बारे में ये जानना चाहेंगे कि ये एजुकेशन कैसे हासिल करता है, ये खान अकेडमी से जाके कोर्सेज अटेंड करता है, कोर्सेरा से अटेंड करता है, या यूट्यूब से फ्री वीडियोज देख के लर्निंग हासिल कर रहा है। सो यू विल ट्राई टू गेज आउट बींग माई पोटेंशियल कस्टमर, इफ आई एम योर पोटेंशियल कस्टमर, कि ये कहाँ से किन ब्रांड्स पे पैसे खर्च करता है एजुकेशन रिलेटेड, या जनरली भी वो पैसे किन चीज़ों पे खर्च करता है, उसके टिक्स क्या हैं। अगर आप नाउ यू कैन सी प्रॉब्ली द पर्सोना बेटर, तो ये ज़्यादा डिटेल पर्सोना है, आपको इफ यू लाइक तो आप इतना डिटेल में बना सकते हैं, अदरवाइज आप एक सिंप्लीफाइड पैन पिक्चर बनाए, डोंट गो फॉर के जी आपने पहले ही अटैम्प्ट में इतना अच्छा पर्सोना बनाना है, पहले अटैम्प्ट में जो आपको बेस्ट सिंपलिस्टिक जो सिंपल से सिंपल टेम्पलेट लगे उसमें बना दें, और इसके अंदर से जो चीज़ जो इंफॉर्मेशन आप लिख सकें वो लिख लें, कि उसको डिफाइन करें एक स्टेटमेंट में अपने कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर को, उसकी ब्रीफ प्रोफाइल लिखें, उसकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश करें, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एनालिटिकल है, क्रिटिकल है, पैसिव है, एक्टिव है, और इसी तरह से फिर कि वो किन चैनल्स पे शॉपिंग करता है, कि वो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा प्रेफर करता है या फिजिकल शॉपिंग में करता है, किस तरह के मोटिवेशंस हैं उसकी बाइंग के लिए, प्राइस उसकी कम उसके टिक क्या है। सो आप अपने कस्टमर की आइडियली एक इतनी अच्छी पैन पिक्चर बना रहे हैं कि वो आप उसके साथ आधा घंटा घंटा स्पेंड करें और उस कि पेन पिक्चर अपने पास रिटेन कर लें, क्योंकि वो बंदा हो सकता है आपके पास आधा घंटा एक घंटे के लिए एक्सेसिबल हो, बट वो आपको उसकी जो अगर आपने उसका पर्सोना बना लिया तो वो आपके पास हमेशा रहेगा। और इसमें से आई वुड ऑलवेज रिकमेंड एंड सजेस्ट कि आप अपने सोशल नेटवर्क में से लोगों को लें, उन लोगों को जिनको आप पहले से भी शायद थोड़ा बहुत जानते हो, बिकॉज एक तो ये कि वो आपके पोटेंशियल कस्टमर ज़्यादा बेहतर होंगे, वो आपको जानते हैं तो शायद कन्वर्जन भी जल्दी हो जाए, वो जल्दी आप पे ट्रस्ट करके आपसे प्रोडक्ट बाय भी कर लें, और उनको आप थोड़ा सा पहले जानते होंगे या फेसबुक प्रोफाइल के हद तक आप उनसे कनेक्टेड हैं, सो यू नो अ लिटिल बिट अबाउट देम, उनकी पेन पिक्चर बनाना, उनके पर्सोनास बनाना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अब जब आपने उनके पांच पर्सोनास बना लिए, इनमें से आप उनके पेन पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इनके पेन या गेन्स, पांच लोगों के आपने पर्सोनास बनाए और उनके पेन या गेन्स आइडेंटिफाई कर लिए कि इनके पेन पॉइंट क्या है, ये इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये पेन पॉइंट है, या ये गेन पॉइंट है, या ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये वैल्यू ऐड हो जाए। लाइक यू हैव ऑलरेडी अवेलेबल वन सोल्यूशन, करीम और ऊबर अवेलेबल है, इससे भी कोई बेहतर सोल्यूशन आ जाए, और करीम और ऊबर की बहुत अच्छी सर्विस है, इमेजिन कि उनकी सर्विस अगर अच्छी ना होती और वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे होते, ट्वाइस थ्राइस रेट, और गाड़ियां भी अच्छी ना होती, उस जो पहली हालत में था, करीम और ऊबर के आने से पहले की अगर आप एग्जांपल लें तो पिंडी इस्लामाबाद में टैक्सी अवेलेबल थी, लेकिन उन लोगों के साथ आपको बहस करनी पड़ती थी उनको हायर करने के लिए, उनके रेट्स भी ज्यादा थे, सो इमेजिन वो सिचुएशन है, दैट इज अ गेन कि वो उसको आपने उस रिप्लेस कर दिया तो लोगों की लाइफ में बेहतरी आ गई। तो इस तरह के आप ट्राई टू आइडेंटिफाई पेन और गेन पॉइंट्स वो लिख लें। आपके पास वी स्टार्टेड विद एम्पथाइज, एम्पथाइज किया और सेकंड स्टेज में डिफाइन पे चले गए। डिफाइन के अंदर आपने डिफाइन कर लिया कि उनके पेन और गेन पॉइंट्स क्या हैं। आप यहाँ तक पहुँच गए, नाउ वी मूव टू द स्टेप थ्री। सो डिजाइन थिंकिंग एक्चुअली इज अ फाइव स्टेप प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाता है आइडिएट। अब आइडिएट वर्कशॉप जो है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट हम जो स्टार्टअप्स को और फर्स्ट टाइम स्टार्टअप्स लाइक यू, इनको हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप इस आपके लिए हम इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो व्हाट यू डू इज कि आप अपने पांच परसोनास लें, जिन पांच लोगों से आपने बात की है, अब अच्छा जो डिफाइन एम्पथाइज और डिफाइन का प्रोसेस जो है ना, ये आप टीम के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं, अगर आप दो से तीन लोगों की टीम है तो आप स्प्लिट कर सकते हैं कि दो लोग जाके रिसर्च करेंगे, दो पर्सोनास बनाएंगे, दो पेन गेन मैप्स बनाएंगे, अब लाइक दिस कि एक बंदा रिसर्च करेगा जाके,
एक परसोनास बनाएगा और एक पेन गेन मैप बनाएगा, आपने स्प्लिट करके काम कर लिया। लेकिन जो आइडिएट स्टेज है ना, ये आपका एज ए टीम इकट्ठा होके एक जगह करना है। आप डिजिटली कनेक्ट हो जाएं, डिजिटली कर लें ऑनलाइन, बट ये आपकी टीम एक्सरसाइज है। आइडिएट इज अ लेंथी वर्कशॉप। आइडियली हम 24 आवर्स की 2 से 3 वर्कशॉप डिजाइन करते हैं जिसमें ये सारा प्रोसेस रन होता है। लेकिन आप जो है ना, इसको इस तरह से कर सकते हैं सिंपली कि आपकी पूरी टीम, 3 से 5 लोग जितने भी लोग हैं आप, और अगर आपका कोई, आपके पास कोई एक्सपर्ट अवेलेबल है उनको भी बुला लें, आप एक रूम में गैदर हो जाएं। तो आपके पास 5 परसोनास, आप उनको दीवार पे पेस्ट कर दें। जो पेन गेन उनके आपने बनाए हैं ना, पेन और गेंस आइडेंटिफाई किए हैं, वो भी लिख दें। अब आप आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करें, इसे हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करें, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाएं टू देयर पेन पॉइंट्स, टू देयर प्रॉब्लम्स। और इनोवेशन पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनोवेशन को थोड़ा सा समझें भी कि इनोवेशन जो है ना वो 10 टाइप्स की होती है, राइट? तो ये इनोवेशन पे, 10 टाइप्स ऑफ इनोवेशन, इस पे डिटेल हैंड आउट हम आपसे शेयर कर देते हैं। प्रॉब्ली आज पॉसिबल नहीं होगा उसको डिटेल में डिस्कस करना, बट 10 टाइप्स ऑफ इनोवेशन ये हम आपसे, टीम अगर काइंडली वो हैंड आउट शेयर भी कर दें और हम बाद में आपसे शेयर कर देते हैं डेफिनेटली, और पब्लिकली पोस्ट भी कर देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब आप आइडिया सोच रहे हैं तो इनोवेटिव सोल्यूशन ला लें, और वो इनोवेशन किस तरह की होगी, वो 10 टाइप्स की ऑफरिंग की इनोवेशन है। आप कन्फिग्रेशन, ऑफरिंग और एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं अपने कस्टमर का, और या इनका एक कम्बिनेशन बना सकते हैं, इन तीनों का, कॉन्फ़िगरेशन, ऑफरिंग और एक्सपीरियंस, तीनों का एक कम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो अभी तक आपके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। तो जो मैं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि आप अपना आइडिया घर छोड़ के आए, आइडिया को ना इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू गुजारें, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इस प्रॉब्लम, इस सोल्यूशन, इस प्रोसेस में से गुजारें। आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, जो कस्टमर की नीड है या वांट है, उसको इस प्रोसेस में से गुजारें। मोरो पुचिनी ने भी अपनी वीडियो में आपको यही मैसेज दिया है कि आप कम अप विद प्रोडक्ट्स जो लोगों की नीड्स हैं या वांट्स हैं या उनकी डिजायर्स हैं, वो फुलफिल करें। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, पीपल बाय बेनिफिट्स। आप ये मत सोचें कि आपने प्रोडक्ट बना लिया है तो लोग उसको बाय कर लेंगे। पीपल विल ओनली बाय इफ इट एड्स वैल्यू टू देयर लाइव्स। सो थिंक लाइक दिस कि आपने हमें लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। आपकी प्रोडक्ट क्या वैल्यू ऐड करती है, क्या एक्सपीरियंस इंप्रूव करती है, क्या कन्वीनियंस लाती है, क्या कंफर्ट लाती है, कैसे मेरा कस्टमर बेहतर फील करेगा, कैसे मेरा कस्टमर इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ने के बाद प्राउड फील करेगा। सो दिस इज डिजाइन थिंकिंग, दिस इज कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन। आइडिया खाली मेरे जेन में आ जाना कि एक लाइट बल्ब नया बना दूं, दिस इज नॉट एन आइडिया। आइडिया इज थिंकिंग के जो लेज ने किया कि चिप्स को रीपैकेज करके और एक समवट अ फैशनेबल चीज बना दी। आज आप लेज का पैकेट हाथ में कैरी करने पे, यू विल नॉट बी शाय, यू विल सी एनी बॉडी इन पाकिस्तान, यू कैन सी एनी बॉडी इन पाकिस्तान हैविंग ए लेज पैकेट इन देयर हैंड। सो दिस इज डिजाइन थिंकिंग। लेज बाय द वे इस पेप्सी की प्रोडक्ट है, उसी को भी उसको एक खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है कि यू फील प्राउड, यू फील कंफर्टेबल हैविंग ए लेज पैकेट इन योर हैंड। किसी को, नोबडी विल बी शाय ऑफ होल्डिंग ए लेज पैकेट। वेयर एज आपको जो मार्केट में चिप्स मिलते हैं, जो जो स्टॉल्स पे सेल करते हैं, बहुत सारे लोग उसको कैरी करना नहीं चाहेंगे, उसको दे विल नॉट फील प्राउड ऑफ कैरिंग दैट इन देयर हैंड। तो सिंपली प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग है, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है, आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, वैल्यू भी बहुत ज्यादा ऐड हो गई है। मैं अगर आपको कहूँ इसकी सिंपल प्राइस कंपैरिजन दूँ, तो आई एम फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल फैमिली, जहाँ पे मेरे गांव में जो मेरी फैमिली है वो आलू सेल करती है एट अ प्राइस ऑफ 10 to 15 rupees पर केजी, और जो ऑन द शेल्फ आपको लेज पैक का पैकेज मिलता है, दैट इज अराउंड 1200 rupees। 120x का वैल्यू है, डिफरेंशियल है 120x। सो दिस इज इनोवेशन, दिस इज डिजाइन थिंकिंग, एंड दिस इज द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाइकी इसकी बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल है, द बेस्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड प्रॉबली इज नाइकी। और एप्पल, स्टीव जॉब्स वाज आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम नाइकी, और उन्होंने भी जो अपने मार्केटिंग लेसन हैं वो नाइकी से ही बोरो किए हैं। सो नाइकी सेल शूज,
नाइकी सेल्स शूज, शूज इज अ ब्लडी कमोडिटी। शूज को उन्होंने कमोडिटी, एक कमोडिटी को नाइकी ने शूज विच इज अ कमोडिटी उसको एक ब्रांड बना दिया, एंड पीपल फील प्राउड ऑफ वेयरिंग शर्ट्स जिसके ऊपर नाइकी का लोगो है, राइट? सो सी, दिस इज द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज द पावर ऑफ ब्रांडिंग। और आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो उस प्रॉब्लम को फिर इतना बड़ा ब्रांड बनाना है, इस तरह का पावरफुल मैसेज कन्वे करना है कि आप ह्यूमन लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड करते हैं कि पीपल फील प्राउड ऑफ योर प्रोडक्ट। पीपल, लोग एयरपोर्ट लाउंजेस में ट्रैवल करते हुए, पीपल लव टू ओपन देयर मैकबुक्स, जो एप्पल की, एप्पल का लैपटॉप है, मैकबुक्स हैं, लोग उनको खोल के बैठते हैं दिखाने के लिए। पीपल फील प्राउड कि उनके पास मैकबुक है, पीपल फील प्राउड कि उनके पास आईफोन है। इट्स जस्ट अ प्रोडक्ट, बट उनके, दे डोंट सेल फोन्स, दे डोंट सेल लैपटॉप्स। और नाइकी के आप एडवर्टाइजमेंट्स देखें, दे नेवर सेल शूज। वो कभी आपको ये नहीं कहते कि मेरे से जूता बाय कर लें। दे ग्लोरीफाई ह्यूमैनिटी, दे ग्लोरीफाई एथलीट्स। वो कहते हैं कि आप, यू कैन बी बेटर ह्यूमन बीइंग। आप नाइकी का जूता पहन के यू कैन डू मोर, आप ज्यादा कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाएगी नाइकी का जूता पहनने से। दे डोंट टेल यू कि आप नाइकी का जूता बाय कर लें। सो दिस इज पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड ब्रांडिंग। आपने ये इस तरह से प्रोडक्ट, एक सोल्यूशन भी निकालना है, लेकिन उसको साथ में, साथ ही साथ ये भी जहन में रखेंगे आपने उसको एक ब्रांड बनाना है, पावरफुल मैसेज कन्वे करना है। लोगों को ये नहीं कहना कि मेरी प्रोडक्ट बाय करो, टेल देम द बेनिफिट दे विल गेट बाय पेइंग यू मनी, राइट? लोग आपको पैसे दे रहे हैं, एंड अगर आप उसको डीकंस्ट्रक्ट करें, मनी इज लाइक टाइम। किसी ने अपना टाइम स्पेंड करके ऑफिस में 8 घंटे काम करके उस पर एक सैलरी अर्न की है, उस सैलरी के अगेंस्ट वो एक प्रोडक्ट आपसे बाय करेगा। इट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ, टाइम वो आपको अपना लाइफ का एक हिस्सा दे रहे हैं। समवन इज पेइंग यू 1000 रुपीज, वो आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा दे रहे हैं। इट इज लाइक 2 आवर्स, एंड किसी का हो सकता है कि पूरा एक हफ्ते की वो अर्निंग हो, वो आपको दे रहे हैं। सो व्हाट यू आर गिविंग देम इन रिटर्न, आप कितनी बड़ी वैल्यू उनकी लाइफ में ऐड कर रहे हैं, वो ताकि दे फील कंफर्टेबल कि यार ये वो चीज वाकई वर्थ है। सो थिंक लाइक दिस, इस तरह से सोचना बहुत जरूरी है, तभी आप एक ऐसा ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे, एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर पाएंगे जो कि, जिसकी परसीव्ड वैल्यू होगी, पीपल वुड फील कंफर्टेबल फॉर पेइंग फॉर दैट, एंड नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। लोग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि यार इसके पैसे मैं क्यों दूं, या अदरवाइज यू विल नॉट स्ट्रगल टू फाइंड कस्टमर्स फॉर दैट। सो मेड बी एनीथिंग, आप डिटर्जेंट बना रहे हैं, आप सोप बना रहे हैं, आप वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं, आप अगर आपने शायद जोया के लेक्चर सुना हो तो उन्होंने आपको सिखाया कि कैसे आप लो कॉस्ट में छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट बना सकते हैं, वॉशिंग का, वॉशिंग पाउडर का, जूता बनाने का, डिटर्जेंट बनाने का, सोप बनाने का, जो डिफरेंट तरह की घर में चीज़ें यूज हो रही हैं, बहुत सिंपल सिंपल, वो आप उस ग्रोसरी के अंदर वो आप सारी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट दैट इज द बिगिनिंग, आपने प्रोडक्ट बना ली, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना लिया, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि उसको एरियल कैसे बनाना है। डिटर्जेंट है और एरियल उसकी कितना उसको अच्छे तरीके से पैकेज करके वैल्यू परसीव करवा रहा है हमें कि ये दिस इज समथिंग मोर देन डिटर्जेंट। नाइकी ने आपको और मुझे ये कन्विंस किया है कि दे आर मच मोर देन शूज, वो जूता ही नहीं है सिर्फ। इसी तरह एप्पल ने और आईफोन ने आपको और मुझे कन्विंस किया है, और लोग उसकी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले 8-8 घंटे उसकी एप्पल स्टोर की लाइंस में खड़े होते हैं जस्ट टू गेट अ फोन, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट ए फोन। फिर उन्होंने आपको मुझे कन्विंस किया है कि इट इज, इट मेक्स यू बेटर, इट ग्लोरीफाइज यू, इट एड वैल्यूज टू ह्यूमन लाइफ। सो हर ब्रांड को, हर स्टार्टअप को इस तरह से सोचना चाहिए कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाएं, बट एट द सेम टाइम वो सोल्यूशन आप हार्ड सेल ना कर रहे हो, सेल विदाउट सेलिंग, इतना अच्छा बना दें और इस तरह से सोच के उसको पैकेज करें और वैल्यू परसीव करवाएं कि कस्टमर कहे कि यस यही चीज तो चाहिए। वो लेस का पैकेट ऑफिस कैरी करके लाए, वो आईफोन लोगों को दिखाए, वो आई मैक मैकबुक जो है वो लोगों को दिखा और प्राउड फील करे कि यस आई ओन दिस प्रोडक्ट।
एंड इसके अंदर 10 टाइप्स ऑफ इनोवेशन में ये आपको समझना है कि आपने ऐसी इनोवेशन करनी है कि पीपल फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दैट। और अब आप जब एक्चुअली हमने शुरू किया था आइडिएट में, आइडिएट में आपने क्या किया, 5 परसोनास पेस्ट किए, उनके नीचे पेन गेन मैप आपने पेस्ट किया कि मेरे कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स क्या हैं, एंड देन अब आपने यू स्टार्ट कमिंग अप विद आइडियाज, आपने आइडियाज सोचने शुरू किए। सो थिंक ऑफ 20 आइडियाज। 20 क्यों सोचने चाहिए, वो इस वजह से क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है ना इज डिजाइन टू कंजर्व एनर्जी, हम एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं। मैं आज आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूं एंड इफ आई से कि कम अप विद 20 आंसर्स, लिटरली इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू कैन नॉट आंसर, यू कैन नॉट हैव 20 आंसर्स टू एनी क्वेश्चन इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। आप अपनी इनकम एक साल में कैसे डबल कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू राइट 20 आंसर्स। एंड सो आपके पास 3 4 आंसर लिखना तो बड़ा आसान है, वो लिख लेंगे 5 तक, उसके बाद तो माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि ह्यूमन माइंड इज डिजाइन टू कंजर्व एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं माइंड स्टॉर्मिंग। दैट्स व्हेन योर माइंड रियली थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये आउट ऑफ द बॉक्स है कि जब आप 20 आंसर्स लिखने की कोशिश करेंगे या 20 सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और वो जो ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विद 20 आंसर्स, लेकिन आपका माइंड रियली आउट ऑफ द बॉक्स। हो सकता है आपको नई चीजें पढ़नी पड़े, नए लोगों से बात करनी पड़े, डिफरेंट जगहों से आइडियाज बोरो करने पड़े, दैट्स वेन योर माइंड विल रियली एक्सप्लोर, दैट इज माइंड स्टॉर्मिंग। और फिर आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स अमेजिंग आइडियाज आ रहे हैं। जब आप 20 आइडियाज पेस्ट कर देंगे वॉल पे, यू हैव 5 परसोनास ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर आपने 5 परसोनास पेस्ट किए हुए हैं, उनके बाद उनके पेन गेन मैप पेस्ट किया हुआ है, एंड देन यू हैव 20 आइडियाज पेस्टेड ऑन द वॉल। तो तब आप एज ए टीम डिसाइड करें कि इनमें से कौन से आइडियाज प्रैक्टिकेबल हैं या आप कर सकते हैं, और वो कस्टमर के लिए भी बेहतर आप सोल्यूशन समझते हैं उसको, और उनमें से टॉप 3 आइडियाज पिक कर लें। नाउ ये अब आप आइडिया की तरफ मूव होना शुरू हैं। आइडिया वो नहीं था जो आप पहले दिन जो आपने इस फॉर्म पे फिल किया था स्कूल में आते हुए, दैट वॉज जस्ट द बिगिनिंग। हम चाह रहे थे कि आपके पास एक डायरेक्शन हो, वो डायरेक्शन पे रहें रिजिड, उस डायरेक्शन में काम करें, उसके लिए पैशनेट रहें, लेकिन आइडियाज पे रिजिड ना रहें। अभी भी आपके पास टॉप 3 आइडियाज आपने पिक किए और 3 बिजनेस मॉडल कैनवस बनाए। बिजनेस मॉडल कैनवस आई विल एक्सप्लेन यू इन अ मोमेंट कि बिजनेस मॉडल कैनवस कैसे बनाएंगे, बट आपने 3 बिजनेस मॉडल कैनवसेज बनाए, उन 3 बिजनेस मॉडल कैनवसेज में की भी फिर आपने रैंकिंग की, और उन 3 बिजनेस मॉडल कैनवसेज में से एक टॉप बिजनेस मॉडल कैनवस आपने पिक कर लिया। नाउ यू आर डाउन, दिस इज योर आइडिया। जब आपने एक स्ट्रक्चर तरीके से डिजाइन थिंकिंग रन की और इवेंचुअली यू एंडेड अप विद 1 बिजनेस मॉडल कैनवस, आपने प्रॉब्लम्स ने आइडेंटिफाई किया, परसोनास बनाए, परसोना से पेन गेन मैप बनाया, पेन गेन मैप के अगेंस्ट 20 सॉल्यूशंस बनाए, उन 20 में से टॉप 3 पिक किए, 3 बिजनेस मॉडल कैनवसेज बनाए, 3 बिजनेस मॉडल कैनवसेज में से टॉप 1 बिजनेस मॉडल कैनवस पिक किया। दिस इज योर आइडिया। एक जो फाइनल बिजनेस मॉडल कैनवस बचा है, दिस इज योर आइडिया, उसके अगेंस्ट जल्दी से एक प्रोटोटाइप बनाए। जो बिजनेस मॉडल कैनवस फाइनल बचा है, एक आपका जो टॉप 1 है, उसके अगेंस्ट एक प्रोटोटाइप बनाए, और उस प्रोटोटाइप को अब आप ले जाएं उन्हीं 5 कस्टमर्स के पास जिनसे आपने शुरू में बात की थी, और उन खाली जो आप प्रोटोटाइप बनाए उसको एज ए प्रोटोटाइप ही ना प्रेजेंट कर दें जाके, व्हाट अ स्टोरी अराउंड इट। और वो स्टोरी उस तरह की जिस तरह नाइकी कहता है, राइट हेयर टू द क्रेजी वंस, द मिसफिट्स, और या एप्पल कहता है कि उसके ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ में क्या चेंज ले आएगी, और वो स्टोरी जाके सुनाए उन 5 लोगों को। स्टोरी टेलिंग पे आज 12 बजे के सेशन में आ रही है मरियम। मरियम इज एन एक्सपर्ट, मरियम दुबई बेस्ड है, चीज एन एक्सपर्ट इन स्टोरी टेलिंग एंड ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन, वो इसको कवर करती होंगी। ये ब्रांडिंग में जाके हम इसको डिटेल में भी कवर करेंगे। आई विल ट्राई कि ये कल ये टॉपिक भी दोबारा कवर हो, स्टोरी टेलिंग वाला। आप उसके लिए एक स्टोरी बिल्ड करेंगे और वो स्टोरी जाके उन 5 लोगों को सुनाएंगे कि ये प्रोडक्ट अगर आप ले लेंगे तो आपकी लाइफ इस तरह से बेहतर हो जाएगी, और वो 5 कहते हैं कि यस वी आर विलिंग टू बाय, वाला यू डन।
सो यू हैव सक्सेसफुली इनोवेटेड अ सॉल्यूशन. अगर वो पांच प्रोटोटाइप लेके गए, प्रोटोटाइप बनाया, टेस्टिंग इसके आप उनके पास ले गए और उनमें से मेजॉरिटी ने कहा यस, दैट्स इट, दैट्स डिजाइन थिंकिंग. ठीक है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज अभी बाकी है, दैट इज बिजनेस मॉडल कैनवस. बिजनेस मॉडल कैनवस क्या है, वो कैसे बनाएंगे, पूरा प्रोसेस आप लोग अब समझ चुके हैं कि कैसे आपने डिजाइन थिंकिंग एक्सरसाइज रन करनी है, क्या रिसोर्सेज चाहिए, कैसे क्या कुछ आपको उसमें टूल्स चाहिए, सारे टूल्स हमने आपसे शेयर कर दिए हैं. नाउ लेट जंप बैक टू बिजनेस मॉडल कैनवस. कि बिजनेस मॉडल कैनवस क्या है, कैसे बनाएंगे. आई होप आप में से काफ़ी लोग बिजनेस मॉडल कैनवस से फेमिलियर तो होंगे कि बिजनेस मॉडल कैनवस क्या होता है. क्विकली अगर कमेंट करें, लेट मी सी कि आपको बिजनेस मॉडल कैनवस पर अभी तक कैसा है सेशन. हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड, हाउ मेनी ऑफ यू एंड टीम अगर काइंडली मुझे हेल्प कर दें इसमें कि बिजनेस मॉडल कैनवस यही वाला शेयर करते हैं सबके साथ. ये वाला बिजनेस मॉडल कैनवस का इमेज एमएल अस्मा काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें. यहाँ पे एक हमने लिंक आपसे शेयर किया है, आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू एज वेल. ये वीडियोस हैं ब्रीफ 15 मिनट्स की. ये बिजनेस मॉडल कैनवस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ, बट ये वीडियोस आई स्ट्रांगली रिकमेंड इनकरेज कि ये वीडियोस जाके आप देखें. Let me share it with you. Yes, Sibha, you're right. It's an information overdose. That's what our roller coaster ride is. We want कि आप बहुत जल्दी सीखें. इसीलिए we're trying to share a lot of information. सारे tools हम आपसे share कर रहे हैं, right? And ये सारी ये lectures आपके पास available रहेंगे. Good thing is कि आपके पास YouTube videos आ जाएंगी. You can watch the many number of times. और दो से तीन दफा देखेंगे तो you can understand anything. So business model canvas शुरू करते हैं. This is a very easy thing. Don't be afraid. घबराना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने कि business model canvas को बहुत मुश्किल चीज है. Trust me, 5 minutes and we'll be there. So business model canvas jo hai, it's a tool to model your business. Aap kisi bhi business ko samajhna chahe aur usko paper pe likhna chahe, so it's quite difficult. Aap ek cycle ke business se leke up to an airline business, agar aap unko paper pe model karna chahe, so it's very difficult. To isi ke liye thanks to Alexander Osterwalder. एक स्पेस फाउंडर है, स्पेस इनोवेटर हैं जिन्होंने उनका ये पीएचडी का थीसिस था विच इज़ नाउ ए कमर्शियल प्रोडक्ट और इसको बिजनेस मॉडल कैनवस कहते हैं. दिस इज़ द बेस्ट टूल टू मॉडल एनी बिजनेस. आप एक साइकिल स्टोर से लेके एक एयरलाइन तक एनीथिंग यू कैन मॉडल ऑन दिस. इसके 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एक पेज पे बन जाता है.
एंड लेट मी हेल्प यू कि अगर आपके पास, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ कि कैसे, अगर आपने, यू डोंट हैव दिस और आप फिर भी बनाना चाहें, तो एक बिजनेस मॉडल कैनवस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। मैं आपके लिए बिजनेस मॉडल कैनवस ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको पेपर पे कभी भी बिजनेस मॉडल कैनवस ड्रॉ करना हो तो इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो वॉट यू नीड टू डू इज दैट यू ड्रॉ एन एच। आप सिंपली दो एच ड्रॉ करें और उन दो एच के इर्द गिर्द एक रेक्टेंगल। दो एच और उनके इर्द गिर्द एक रेक्टेंगल। और और एक नीचे एच, और मेरे एक दोस्त उसको कहते हैं लेटा हुआ एच। तो दो एच ड्रॉ करेंगे आप, दो एच और उनके इर्द गिर्द एक रेक्टेंगल, एंड देन नीचे फिर एक रेक्टेंगल, और उसको आप एक एच कह सकते हैं। अभी विजिबल है जी सबके लिए। तो देर आर 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अ बिजनेस मॉडल कैनवस, और ये इस तरह के 9 बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर। यू कैन मॉडल एनी बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, इंक्लूडिंग योर स्टार्टअप ऑन टू दिस बिजनेस मॉडल कैनवस। तो हम बिजनेस मॉडल कैनवस को, और मैं इस ये वाली पिक्चर यूज़ करें बिकॉज ये आपको बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन देती है, और ये आपको क्लियर क्लैरिटी देती है कि कैसे आपने बिजनेस मॉडल को विजुअलाइज करना। सो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ सेंट्रल ब्लॉक है, जिसको हम कहते हैं वैल्यू, वैल्यू प्रोपोजिशन। तो नंबर वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लॉक इज वैल्यू प्रोपोजिशन। ये वाला ब्लॉक है जो, इसको हम वैल्यू कहते हैं, सेंट्रल सेंट्रल ब्लॉक, वैल्यू प्रोपोजिशन। और इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है, दैट इज सेगमेंट। नंबर वन इंपॉर्टेंट इज वैल्यू प्रोपोजिशन, एंड सेकंड इज कस्टमर सेगमेंट। और ये वैल्यू आप अपने कस्टमर तक कैसे डिलीवर करेंगे, ये वैल्यू आप अपने कस्टमर तक कैसे डिलीवर करेंगे, दिस इज चैनल। राइट, ये वैल्यू अपने कस्टमर तक कैसे डिलीवर करेंगे, दिस इज चैनल। और ये कस्टमर से फीडबैक कैसे लेंगे, कस्टमर आपको कंप्लेन कैसे करेगा या अप्रिशिएट कैसे करेगा, दिस इज कस्टमर रिलेशनशिप। जो टॉप चार के, ये जो टॉप राइट चार कॉर्नर्स हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। और अगर इफ आई मे शेयर दैट विद यू,
मैं इस फॉर्म में भी शेयर कर देता हूँ। तो ये इसकी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, जो 9 ब्लॉक्स होते हैं। इसमें वैल्यू प्रोपोजिशन जो सेंट्रल ब्लॉक है, वैल्यू प्रोपोजिशन और कस्टमर सेगमेंट, और फिर चैनल जिसके जरिए से ये वैल्यू, जो मैजिक आपने क्रिएट किया है, जो इनोवेशन आपने की है, जो आपका आइडिया है, ये आप कैसे यहाँ से यहाँ तक इस तक डिलीवर करेंगे, दैट इज द चैनल। और फिर कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर से फीडबैक कैसे आएगा। तो ये टॉप के जो टॉप लेफ्ट टॉप राइट 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसके, मैं इसको अगर आपको ये, सो यहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल कैनवस 3 हिस्सों में क्लियरली नजर आ रहा है, फिजिबल, डिजायरेबल एंड वायबल। तो जो आपका टॉप राइट कॉर्नर्स हैं, चार टॉप राइट चार ब्लॉक्स जो हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन का, कस्टमर का, चैनल एंड कस्टमर रिलेशनशिप, ये डिजायरेबिलिटी होती है। ये आप इसके जरिए से एक ऐसी प्रोडक्ट इनोवेट करते हैं जो कि कस्टमर खरीदना चाह रहा होता है, कस्टमर अपनी लाइफ में चाह रहा होता है, दिस इज कॉल्ड डिजायरेबिलिटी। तो अगर मैं इसको आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, सो आप टेक योर लेफ्ट हैंड, टेक योर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, राइट, सो दिस इज वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन, एंड टेक योर राइट हैंड लाइक दिस, दिस इज योर कस्टमर सेगमेंट, जो एक्सट्रीम राइट पे था, लेफ्ट पे सॉरी, बिजनेस मॉडल कैनवस के। सो ये वैल्यू आप कैसे अपने कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। सॉरी, दिस इज द वैल्यू, टेक योर राइट हैंड एंड दिस इज योर वैल्यू, दिस इज वैल्यू प्रोपोजिशन, टेक लेफ्ट हैंड, दिस इज योर कस्टमर, लेफ्ट हैंड इज योर कस्टमर, राइट हैंड इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड लेफ्ट, राइट हैंड इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन, लेफ्ट हैंड इज कस्टमर सेगमेंट। ये वैल्यू अपने कस्टमर तक कैसे डिलीवर करेंगे, दैट इज चैनल, कैसे डिलीवर करेंगे, दैट इज चैनल। कस्टमर आपसे बातचीत कैसे करेगा, फीडबैक कैसे देगा, फोन करेगा, वेबसाइट पे जाके कंप्लेन करेगा, कैसे बताएगा आपकी प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी, दिस इज कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये जो चार बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, अगर आपने ये इनको अच्छी तरह से क्रैक कर लिया, तो दैट्स द बिगिनिंग ऑफ एनी बिजनेस। तो सबसे पहले इन पे फोकस करें, दैट आप वैल्यू प्रोपोजिशन को अच्छा डिफाइन करें, क्या वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं लाइफ में, फिर क्या कस्टमर सेगमेंट है आपका, कस्टमर सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लें, एंड देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये चैनल किस चैनल से डिलीवर होगा, एंड देन कस्टमर रिलेशनशिप। तो मैं अगर क्विकली रिपीट कर दूं, कस्टमर जो राइट हैंड इज सॉरी राइट हैंड इज वैल्यू प्रोपोजिशन, लेफ्ट हैंड इज कस्टमर योर कस्टमर, राइट हैंड इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन, लेफ्ट हैंड इज योर कस्टमर। ये वैल्यू कैसे इस कस्टमर तक डिलीवर करेंगे, दैट इज चैनल, और ये आप कस्टमर कैसे आपको फीडबैक देगा, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एनी बिजनेस मॉडल कैनवस। अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो दिस इज गुड 70 to 80% ऑफ एनी बिजनेस। उसके बाद जो दूसरे पार्ट है, दे आर इम्पोर्टेंट ऑल्सो, बट उसमें फिर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे, की एक्टिविटीज, की रिसोर्सेज, दो इम्पोर्टेंट चीजें, की एक्टिविटीज एंड की रिसोर्सेज इज द फैक्ट्री। क्या आप अगर आप इवन एक वेबसाइट भी बना रहे हैं और आपके पास एक लैपटॉप है, तो लैपटॉप इज योर फैक्ट्री। और अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट, तो जो छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट लगेगा, दैट इज फैक्ट्री। तो इट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्शन यूनिट छोटा है या डिजिटल प्रोडक्ट है, इट वेरीज, बट हम उसको जनरली फैक्ट्री कहते हैं, दैट इज की रिसोर्सेज। की रिसोर्सेज में आप फैक्ट्री है, आप आएंगे और की एक्टिविटीज, उसके अंदर क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, लाइक क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, वो प्रोडक्ट बन जाएगी। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, एक ऐप बना रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट ठीक है, तो उसमें आप एक कोडर को हायर करेंगे या आप कोडिंग खुद आती होगी, उसमें वो प्रोसेस क्या प्रोसेसेस करेंगे कोडिंग के कि आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाए, एक डिजिटल प्रोडक्ट की फॉर्म में। और एक फिजिकल प्रोडक्ट है, तो क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी, आप डिटर्जेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, रॉ मटेरियल्स, ताकि वो प्रोडक्ट बन जाए।
एंड देन लेफ्ट मोस्ट इज पार्टनरशिप्स, की पार्टनर्स। हर स्टार्टअप को ये सोचना चाहिए एंड इट इज वेरी एसेंशियल कि आप पार्टनरशिप बिल्ड करें। तलहा चिश्ती ने कल के लेक्चर में भी आपको एम्फसाइज किया था इस पे कि ट्राई टू बिल्ड पार्टनरशिप्स। बीइंग स्टार्टअप आपके पास लिमिटेड रिसोर्स होता है, आपका लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टीम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके अंदर आपने परफॉर्म करना है। तो ट्राई टू बिल्ड पार्टनरशिप्स और विन विन पार्टनरशिप्स बनाएं, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें आप किसी को वैल्यू दे सके इन रिटर्न वो आपको वैल्यू दे। तो एंड इसके बाद नेक्स्ट फिर नीचे वाले जो दोनों क्वाड्रेंट्स हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर। तो कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में सिंपली मैं आई वुड से कॉस्ट, कहाँ पैसे खर्च करेंगे, कहाँ से पैसे आपकी जेब से जा रहे होंगे, रॉ मटेरियल बाय करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, यूटिलिटीज होंगी, स्पेस को रेंट करेंगे, फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट, उसको हम कहते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर कि कितने पैसे खर्च होके ये प्रोडक्ट बनेगी। और फिर देन आपके रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कैसे प्रोडक्ट बिकेगी, कहाँ कहाँ बिकेगी और पैसे वापस कहाँ से आ रहे हैं। सो देयर वुड बी अ टाइम 6 months to 18 months डाउन द लाइन जब आपकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी, रेवेन्यू वापस आना शुरू हो जाएंगे। सो कॉस्ट और रेवेन्यू की कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी एंड दिस इज ब्रेक इवन। लेट्स से आपका ब्रेक इवन 100 यूनिट्स पे आता है, 1000 यूनिट्स पे आता है, सो इवेंचुअली यू विल ब्रेक इवन। सो ये बिजनेस मॉडल कैनवस है, इस पे बहुत अच्छी वीडियोज है स्ट्रेटजाइजर की, अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर की, विच इज 15 to 20 minutes, और वो पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम कल भी इसको एलैबोरेट करेंगे। दिस इज अ क्विक क्रैश कोर्स कि आपने बिजनेस मॉडल कैनवस कैसे बनाना है। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो डिजाइन थिंकिंग का गोल है, विच इज डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी। मैं तीनों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। डिजायरेबिलिटी इज कि लोग ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, लोग इस ये चाहते हैं कि उनका ये पेन पॉइंट या गेन पॉइंट एड्रेस हो जाए, दिस इज कॉल्ड डिजायरेबिलिटी। नेक्स्ट इज, और ये जो टॉप के लेफ्ट टॉप लेफ्ट चार जो ब्लॉक्स हैं जिसमें कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर रिलेशनशिप एंड चैनल्स, ये जो चार हैं ये प्रेजेंट करते हैं डिजायरेबिलिटी को कि आपकी प्रोडक्ट डिजायरेबल है, लोग इसको बाय करना चाहते हैं लोग। और देन द लेफ्ट थ्री क्वाड्रेंट्स, की रिसोर्सेज, की एक्टिविटीज, की पार्टनर्स, ये फिजिबल है। ये किसी भी बिजनेस को फिजिबिलिटी टेस्ट है उसका। ये फ्राइडे को बिजनेस मॉडल वैलिडेशन में हम फिजिबिलिटी पे वैलिडेशन पे डिटेल में बात करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज के जो लेफ्ट थ्री क्वाड्रेंट्स हैं ये फिजिबिलिटी टेस्ट हैं। क्या आपके पास फैक्ट्री लगाने के रिसोर्सेज अवेलेबल है? आपका फैक्ट्री हो सकता है छोटा सा यूनिट हो 10,000 रुपए का, बट इज इट फिजिबल, क्या आप उसको लगा सकते हैं? सेकेंड इज के वो ह्यूमन रिसोर्स, वो एक्सपर्टीज, वो टैलेंट आपके पास अवेलेबल है जिससे आप उसको ऑपरेट करेंगे। की पार्टनर्स, क्या आपके पास वो पार्टनर है जिसके जरिए से आप ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाएंगे? तो ये फिजिबिलिटी का टेस्ट होता है। एंड देन लास्ट जो बॉटम पे है इज वायबल। वायबिलिटी इज फॉर फाइनेंशियल्स, ये क्या ये बिजनेस आप लेट्स से प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट और रेवेन्यू स्ट्रक्चर वायबिलिटी में आते हैं ये दोनों। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि प्रोडक्ट आप लेट्स से 100 रुपए में बना रहे हैं और आप उसकी प्राइस क्या चार्ज कर सकते हैं, क्या 100 रुपए अगर उसकी कॉस्ट है आपको तमाम चीजें मिला के, तो क्या आप 100 रुपए से ज्यादा उस पैसों में उसको बेच सकते हैं? आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लोग चाहते भी हैं, डिजायरेबल भी है, फिजिबल भी आप बना भी सकते हैं, लेकिन क्या वो वायबल है, फाइनेंशियली वायबल है? क्या आप लॉन्ग टर्म में उससे सस्टेनेबली प्रॉफिट्स बनाएंगे? दिस इज वायबिलिटी। सो किसी भी बिजनेस मॉडल को, किसी भी स्टार्टअप को, एनी किसी भी बिजनेस को, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टेस्ट, डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी, वायबिलिटी। तो इससे आप अपने बिजनेस मॉडल कैनवस को गेज करते हैं, और अगर ये तीनों चीजें अचीव हो जाती हैं तो आपका बिजनेस मॉडल वैलिडेट हो जाता है। अब हम वापस चलते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं अपने डिजाइन थिंकिंग लेक्चर से।
नाउ यू हैव लर्न कि आपने बिजनेस मॉडल कैनवस कैसे बनाना है। मैं क्विक अब रीकैप कर देता हूँ। लाइक स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ डिजाइन थिंकिंग, एम्पथी, प्रोटोटाइपिंग एंड स्ट्रेटजी, तीन इंपॉर्टेंट चीजें। डिजाइन थिंकिंग रिवॉल्व्स अराउंड दीज थ्री। डिजाइन थिंकिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है। नेक्स्ट इज कि अब हम प्रोसेस में चलते हैं। नंबर वन इस फाइव स्टेप प्रोसेस है। नंबर वन इज एम्पथाइज। आपने अपना कस्टमर सेगमेंट सेलेक्ट किया एज, जेंडर, ज्योग्राफी की बेसिस पे। उनमें से 5 से 10 लोग सेलेक्ट किए, उनके साथ एम्पथाइज किया, टाइम स्पेंड किया एंड यू केम अप विद 5 personas और पेन गेन मैप बना लिए। एंड यू ट्राई टू आइडेंटिफाई अ कॉमन पेन पॉइंट और कॉमन गेन पॉइंट। 5 personas बनाए। अब आप नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, आइडिएट पे। सो इन आइडिएट व्हाट यू डू इज कि आप 5 personas और 5 pain gain maps, उनका जो कॉमन बनाया आपने उन 5 लोगों के लिए, वो उठा के एक वॉल पे पेस्ट कर देते हैं। यू थिंक ऑफ 20 ideas, 20 possible solutions टू देम और इनोवेशन कर, यहाँ पे आप इनोवेशन करते हैं आप। और 10 types की इनोवेशन है, उनमें से आप यू फिगर आउट कि आप क्या करने जा रहे हैं। 20 ideas सोचते हैं, दैट्स व्हेन यू ब्रेनस्टॉर्म, और उसे हम माइंड स्टॉर्मिंग कहते हैं। 20 ideas सोचेंगे तो यू विल गो आउट ऑफ द बॉक्स। आपको डिफरेंट लोग, 20 ideas आर वेरी डिफिकल्ट, आप लोगों को से और लोगों से बात करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 20 ideas बना पाएंगे। और फिर एज ए टीम डिसाइड करें। अब आपके पास वॉल पे 5 personas हैं, पेन गेन मैप है और 20 ideas आ गए हैं। एज ए टीम डिसाइड करें कि top 3 ideas कौन से, वोटिंग कर लें और उनमें से top 3 ideas लेके उनके अगेंस्ट तीन बिजनेस मॉडल कैनवस बनाएं। अब आपके पास 3 options हैं अपने बिजनेस को रन करने के, जहाँ जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास 2 ideas हैं, मेरे पास 3 ideas हैं। सो वो यहाँ पे अब आपके पास 3 ideas हैं, उन 3 के अगेंस्ट आप बिजनेस 3 business model बनाएंगे। तो लेट से आप एक छोटा सा डिटर्जेंट यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, तो अब आपके पास 3 options होंगे कि डिटर्जेंट मैं इस तरह का बना सकता हूँ, मैं इस तरह के स्पेसिफिक नीश में एक डिटर्जेंट बना सकता हूँ, थिंग्स लाइक दैट। कि एक हर तरह के कपड़ों के लिए हो सकता है आपके 3 ideas हों कि एक एरियल की टाइप का बहुत स्पेशलाइज्ड आप बनाएं डिटर्जेंट, और एक हो सकता है कि आप सिर्फ वाइट कलर के क्लोथ्स के लिए बनाएं। तो आप इनके, और इसी तरह के एक और आइडिया हो सकता है। तो अब आप 3 business model कैनवसेस बनाएंगे, आप उनको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आप उनके अगेंस्ट 3 business model कैनवस बनाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें पार्टनर्स किस में, मुझे किस तरह की आइडिया में मेरे साथ पार्टनर्स होंगे, फैक्ट्री में लगा सकता हूँ, मेरे पास टैलेंट है, ये फाइनेंशियली भी वायबल है कि नहीं। आप कॉस्ट सिंपली रन करेंगे, कितने में चीज़ बनेगी, कितने में बिकेगी, ये ब्रेक इवन भी करेगी कि नहीं, राइट। सो 3 business model कैनवसेस बनाए आपने, उनमें से 1 business model कैनवस आपने पिक कर लिया फाइनली। That one business model canvas is now your idea. और आप उस 1 business model canvas को लेके गए उन्हीं 5 लोगों के पास जिनसे आपने empathize किया था। अब आपने इनको present करना है अपना prototype। यहाँ पे हमने slide पे आपको दिखाया है एक digital prototype कि अगर आपकी app है या website है उसका wireframe बना दिया, right? So लेकिन आप उनको जो अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंट करें तो प्रेजेंट इट इन ऑन अ स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड डिटेल में हम बाद में कवर करेंगे, बट आप उनको एक स्टोरी बोर्ड पे प्रेजेंट करेंगे कि कैसे आपकी प्रोडक्ट उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर देगी, कैसे मैजिकल चेंज ले आएगी उनकी लाइफ के अंदर। तो वो 5 लोग अगर कहते हैं कि यस वी आर विलिंग टू बाय दिस प्रोडक्ट ऑन दिस एक्स प्राइस, सो वोला यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग। आपका डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया है और वही आपने एक्चुअली प्रोटोटाइप बनाया उसका क्विकली। प्रोटोटाइप कैन बी एज सिंपल एज अ ड्राइंग, 2D ड्राइंग बना लें, वायर फ्रेम बना लें, दैट्स अ प्रोटोटाइप। आप 3D प्रिंट कर लें अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो वो भी एक प्रोटोटाइप हो सकता है। आप उसका फंक्शनल यूनिट बना दें जिसको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, MVP कहते हैं, कुछ वट एवर रिसोर्सेज यू हैव। अगर आपके पास सिंपल एक कागज पेंसिल है तो उसकी एक 2D ड्राइंग बना दें ताकि कस्टमर को आप समझा सकें कि ये क्या, पोटेंशियल कस्टमर को कि मेरी प्रोडक्ट कैसे दिखेगी, और उसको उठा के ले जाएं आप उन्हीं 5 लोगों के पास
और उनमें से मेजोरिटी कहती है कि यस वी आर विलिंग टू बाय इट. सो यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस. और अगर उनमें से पांच लोगों में से मेजोरिटी तीन या चार लोग या पांच लोग ये कहते हैं कि नहीं वी आर नॉट विलिंग टू बाय, सो यू नीड टू गो बैक ऑन स्टेप वन. अब आप दोबारा से यहाँ पे वापस आएंगे डिजाइन थिंकिंग पे. वंस आप नया कस्टमर्स आप यहाँ कस्टमर सेगमेंट चेंज करेंगे या हो सकता है ज्योग्राफी उसके अंदर चेंज कर लें, कस्टमर सेगमेंट चेंज कर लें, या फिर आप सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि स्टेप वन पे वापस ना जाएं, आप स्टेप थ्री पे वापस जाएं, आईडिएट पे. आप अपनी इनोवेशन में चेंज लाएं, आप अपनी ऑफरिंग में चेंज लाएं, आप अपने आइडियाज में चेंज लाएं, कोई और आइडिया पिक कर लें एंड थिंक ऑफ ए डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर द सेम. या तो आप कस्टमर सेगमेंट चेंज कर लें या ऑफरिंग चेंज कर लें, प्रोडक्ट चेंज कर लें. तो वट एवर चेंज इज रिक्वायर्ड आप कर सकते. पहली दफा आपको डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस रन करने में माई टेक 2 to 3 days और मे बी अ वीक, बट आप इसको 2-3 दफा जब आप रन कर लेंगे सो यू विल बी सो गुड कि आप एक दिन में पूरा प्रोसेस रन कर सकेंगे. बट सी द पावर ऑफ दिस मेथड कि आप एक दिन के अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करके प्रोडक्ट डिजाइन सॉल्यूशन डिजाइन करके प्रोटोटाइप डिजाइन करके और रियल कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं. सो दिस इज पावर ऑफ डिजाइन थिंकिंग. सो आई एम रियली हैप्पी कि आज हमने डिजाइन थिंकिंग की डिस्कशन को बिल्ड किया है. And I really believe that you all need to be congratulated that you have learned to build a business model and through a process. So Pakistan mein bahut sare jagahon pe maine ye dekha hai ki business model canvas ke upar log apna idea paste kar dete hain, which is absolutely wrong way. Business model canvas ko evolve hona aata hai through a process and that is design thinking. And we're happy ki humne aapko design thinking se introduce kiya hai. It has been a very difficult for me to speak for a length of two hours almost right now. So we are available for questions. Any questions, please. Design thinking from our side is complete for you now. Aur isko agar hum summarize kare pure process ko, it would look like this. Ye lecture slides humne aapse share kar diye hain. Questions, comments, feedback, please. एंड दिस इज अगर मैं इसको समरी को रिपीट कर दूँ आपके लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉब्लम और नीड से शुरू करते हैं. यू पिक अप ए कस्टमर सेगमेंट, एज, जेंडर, ज्योग्राफी की बेसिस पे 5 to 10 people, एम्पथाइज, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज, पर्सोनास बनाएं, पेन गेन मैप बनाएं, फिर उनको एक वॉल पे पेस्ट कर दें. कम अप विद 20 ideas, टॉप 3 ideas को पिक करें, बिजनेस मॉडल कैनवस बनाएं. बिजनेस मॉडल कैनवस हमने आपको सिखा दिया है हाउ टू बिल्ड इट, एंड देन नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप और MVP बनाएं. And then usko ideally try to sell your MVP or prototype. If 3 to 5 people jinke sath aapne empathize kiya tha, unme se ek seed kehti hai yes we are willing to buy, done, you have achieved it. Aur jaldi se production pe jaye large scale pe. Lecture slide, Azim sahab, lecture slides are available on the WhatsApp group. Sab se share kar diye gaye hain. तमाम डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट कर दिए गए, ईमेल भी कर दिए जाएंगे आज. एंड वंस यू ऑन प्रोडक्शन फेज, नेक्स्ट इज स्केलिंग. और अगर आप व्हाट आइडियली वी रिकमेंड इज कि आप एक कस्टमर फंडेड बिजनेस बनाएं. द बेस्ट बिजनेस वुड बी कि जो कस्टमर फंडेड हो, जिन देर इज अ बुक ऑल्सो बाई द नेम ऑफ कस्टमर फंडेड बिजनेस. मैं बुक आपसे भी शेयर करता हूँ. एंड प्रोटोटाइप इस वीक के अंदर आप बिजनेस मॉडल कैनवस बनाएंगे. तमाम टीम्स prepare your business model canvas in this week or वो आपकी assignment है, वो आप submit करेंगे. तमाम teams अपना business model canvas submit करेंगे. If you need help, do ask questions, post your questions on our Facebook page, on any social media platform or email us your questions. We would love to answer your questions and we would love to help you build. बिल्कुल जी जिमी साहब, lectures वहाँ पर Google Classroom में भी post कर दिए जाएंगे. और फिर आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप वीक 3 के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर जब आप ब्रांडिंग सीख रहे हो, स्टार्टअप बना रहे हो, तो एक पहला एक एक्सपेरिमेंट रन कर दें. 1,000 rupees का बिजनेस मॉडल बनाएं नेक्स्ट वीक के अंदर. दैट शुड बी योर चैलेंज किसी भी टीम के लिए. आई फील लाइक 1,000 rupees
रेज करना इतना इशू नहीं है। अगर आप दो से तीन लोगों की टीम है और आपके लिए 1000 रुपीज रेज करना इज लाइक बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है इन रिमोट एरियाज, बट स्टिल आई रिकमेंड अगर आप 1000 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते उससे कम, वट एवर योर अफोर्डेबिलिटी इज, बट पहला प्रोटोटाइप बना के, पहला बिजनेस मॉडल इन योर अफोर्डेबल रेंज नेक्स्ट वीक के अंदर बना के उसको लाइव कर दें, पहला एक्सपेरिमेंट रन कर दें। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, फीडबैक, एंड देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए ब्रेक। एंड द बुक इज कस्टमर फंडेड बिजनेस। दिस इज एन अमेजिंग बुक, कस्टमर फंडेड बिजनेस, और ये भी लेक्चर स्लाइड्स के अंदर आपको अवेलेबल है इसका लिंक। इसकी वीडियो समरी भी अवेलेबल है एंड दे टीच यू कि द बेस्ट बिजनेसेस आर कस्टमर फंडेड, कि आप सेल्स इज बेस्ट फॉर्म ऑफ फंडिंग, कि आप इतनी अच्छी लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना के और इतनी जल्दी स्केल कर दें कि वो जो सेल्स है आपकी वही आपके रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाए और वही आपकी फंडिंग स्ट्रीम बन जाए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के इस स्टेज पे इस वीक की आपकी केपीआईज ये हैं, एम्पथी, डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी, वायबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ये टेस्ट ये हम फ्राइडे को इन पे बिल्ड करें, एम्पथी, डिजायरेबिलिटी, फिजिबिलिटी और वायबिलिटी हम बहुत डिटेल में बिजनेस मॉडल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, एम्पथी उसी का पार्ट है, और देन स्केलेबिलिटी हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। तो इस वीक के अंदर यू नीड टू हैव अ बिजनेस मॉडल कैनवस, अपने तमाम टीम्स अपना बिजनेस मॉडल कैनवस रेडी कर लें, हमारे साथ रहें और ये पांचों केपीआईज अचीव करें। वैलिडेशन पे फ्राइडे को बात होगी, कल हम इसी डिजाइन थिंकिंग को और बिजनेस मॉडल कैनवस को दोबारा आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आज कुछ क्वेश्चंस रह गए हों, कुछ चीज़ें अनएड्रेस्ड हों, तो विल बी कवर्ड टुमारो। एंड आई ऑलवेज शेयर दिस विद एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज कॉल्ड परमानेंट बीटा, राइट? इन्फिनिटी एंड बीटा, इन दोनों को अगर आप इकट्ठा देखें दिस इज कॉल्ड परमानेंट बीटा। आपने सॉफ्टवेयर के बीटा रिलीज देखे होंगे, सो यू आर लाइक अ बीटा रिलीज ऑफ योर सेल्फ टूडे। टेक योर सेल्फ एज अ बीटा रिलीज ऑफ योर सेल्फ टूडे, डोंट बी कम्प्लेसेंट, डोंट थिंक कि आज आपने सब कुछ अचीव कर लिया है। बी ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एवरी सिंगल डे एंड बी ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। रीड ऑफन ये मैसेज उनकी तरफ से, एंड आई ऑलवेज शेयर इन माई एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस दैट ऑलवेज बी अ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड दैट्स हाउ वुमेन्स हैव अचीव ग्रेट थिंग, दैट दे वर्क ऑन देमसेल्फ एवरी सिंगल डे। यू हैव आर सोशल मीडिया पेजेस, वेर एवर यू फील लाइक डू रीच आउट टू आस, राइट टू आस, एंड आई विल रियली सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपनी लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करें, उनके नोट्स बनाएं और उनको एज ए ब्लॉग पब्लिश कर दें। दैट वुड इन्हेंस योर स्किल्स, आप लोगों को पता लगेगा आपके इर्द गिर्द आपके सोशल सर्कल में कि यू आर लर्निंग, और आपको फीडबैक से इम्प्रूवमेंट भी आना शुरू हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, वी आर हेडिंग फॉर अ ब्रेक, और इसके बाद अगले सेशन में हम 12 बजे वापस आएंगे मरियम के साथ। मरियम इज दुबई बेस्ड यूएक्स एक्सपर्ट और वो आपको सेंट्रिक डिज़ाइन सिखाएंगे आज, और विच इज एक्सटेंशन ऑफ डिजाइन थिंकिंग और इसी का एक सेंट्रल टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच, आई नीड अ ब्रेक, हैव अ गुड डे।